चलें, इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक, हमने बेटा ESG स्टार्ट किया था, याद है? और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको ESG के बारे में समझाई, और आई होप सबको ये सारी की सारी चीज़ें ESG के बारे में समझ में आ भी गई होंगी। दैट इज़ एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। और ये तीन शब्दों के ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशन हमारी हुई थी, ESG क्या होता है, एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस क्या होता है। और याद है पूरा समझा दिया था आपको कि 100 नंबर का पेपर है और इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। दैट इज़ यू नो द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ ऑल द कॉरपोरेट लॉज इज़ देयर अवेलेबल इन द ESG। 100 मार्क्स का पेपर है और इसके अंदर सबसे पहले जो 20 मार्क्स का पोर्शन था, और कोई बताएगा 20 मार्क्स का जो पोर्शन था, दैट वॉज बेसिकली हमने जो स्टार्ट किया था, दैट वॉज़ अ रिस्क मैनेजमेंट। तो हमने ये रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, तो वी हैव स्टार्टेड द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। और बड़ी सारी चीज़ें वैसे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी रिगार्डिंग द रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल, और रिस्क के बारे में भी बड़ी सारी चीज़ें अगर आपको याद हो हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली थी। आज चैप्टर को एक्चुअली सही तरीके से स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिकली मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि रिस्क होता क्या है। ठीक है जी, और एक छोटा सा इंट्रो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा 5 मिनट और लगा लेते हैं कि लास्ट क्लास में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमने किया क्या था। इन द लास्ट क्लास व्हाट वी डिड बेसिकली, लिखिए। सबसे पहले जो ये रिस्क मैनेजमेंट है, क्या मैंने बताया था, इट इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड, वन इज रिस्क एंड सेकेंड इज मैनेजमेंट। तो ये शब्द दो, ये जो चीज़ है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वन इज रिस्क एंड सेकेंड इज मैनेजमेंट। तो दीज आर द 2 वर्ड, वन इज रिस्क, सेकेंड इज मैनेजमेंट। इट इज कॉल्ड व्हाट द रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज रिस्क, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था रिस्क क्या होता है। आई होप सबने लास्ट क्लास तो देख ली थी, समझ में आ गया होगा रिस्क क्या होता है। दोस्तों देखिए मैंने लिखवाया था, रिस्क इज नथिंग, इट इज अ पॉसिबिलिटी। रिस्क कुछ नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है, दैट एन इवेंट, दैट एन इवेंट और अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी अकर, अनसर्टेनिटी, ये बेटा सब दोबारा लिखना आपको, ठीक है, विल अकर एंड एडवर्सली, एंड एडवर्सली अफेक्ट योर बिजनेस, एंड एडवर्सली अफेक्ट योर बिजनेस, दैट इज कॉल्ड अ रिस्क। किसी भी बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं बेटा, किसी भी बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता उस बिजनेस को करते टाइम, वट एवर द बिजनेस यू आर डूइंग, तो आपको नहीं लगता उस बिजनेस को करते टाइम आपके बीच में बड़े सारी अनसर्टेनिटी तो आएंगी आएंगी। बिना बिना अनसर्टेनिटी के तो दोस्तों बिजनेस होता ही नहीं है, सरकारी नौकरी जरूर हो सकती है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको दुनिया भर की अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी मिलेगी, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, और एक लाइन हम बोलते हैं, नो रिस्क नो बिजनेस। अगर रिस्क ही नहीं है तो फिर बिजनेस किस बात का। तो देयर इज नो रिस्क, देयर इज नो बिजनेस, आई वुड से। तो इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट एन इवेंट और अनसर्टेनिटी विल अकर एंड एडवर्सली अफेक्ट योर बिजनेस, एंड आई वुड से दैट इज नो रिस्क नो बिजनेस। तो सर इसी को क्या नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिस्क, इसी को रिस्क नाम दिया जाता है। ये सब वैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा ही दिया था, और एक लाइन और बोली थी अगर याद है क्या, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। अगर आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, अगर आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, तो दैट इज यही सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें वैसे लास्ट क्लास में आपको समझा दी थी, और याद रखिएगा कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के अंदर तो रिस्क हो गई। देखो एक चीज बताऊं आपको, कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर यू नो दैट जिंदगी में सारी चीज अच्छी हो तो समझ लो वो जिंदगी नहीं है, जिंदगी का नाम ही उतार चढ़ाव है। इवन वो एक बड़ी अच्छी लाइन किसी ने बोली है, ECG के अंदर भी जब हार्ट बीट ऐसे होती है तभी ये इस बात का सिग्निफिकेंस है कि भाई बंदा जिंदा है। एक स्ट्रेट लाइन का मतलब तो आदमी मर चुका है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और जब आपकी आपकी भी लाइफ के अंदर हो सकता है कभी अप एंड डाउन आएंगे आएंगे, हर चीज हमारे हिसाब से नहीं हो सकती है, इट इज अ लाइफ, कभी किसी के साथ अच्छा कभी किसी के साथ अच्छा,
तो हर चीज आपके साथ अच्छी नहीं हो सकती है। तो इन दैट वेरी केस बस आपको इंतजार करना है अपनी बारी का और अच्छा करता रहना है, आप देखना जिंदगी बढ़िया तरीके से गुजर जाएगी। बस इतना सा लाइफ का फंडा है, जिसने ये सीख लिया वो पूरी जिंदगी खुश है, और जिसने ये नहीं सीखा वो सारी जिंदगी दुखी है। बस यही रियलिटी है, बात समझ में आ रही है। और एक चीज और बताऊं आपको, जो हो गया खत्म उसके बारे में कभी नहीं सोचना है। जो हो गया खत्म, मेरे को एक प्रॉपर्टी मिलने वाली थी 2 करोड़ की, मैंने नहीं ली, 10 दिन के बाद वो प्रॉपर्टी 25 करोड़ की हो गई, हाई में ले लेता, बस ये हाई तुम्हें मारती है। जो हो गया खत्म नहीं सोचना, ओवर, आगे करंट देखो क्या करना है, दैट्स इट। बस ये 2 प्रिंसिपल आप फॉलो करो, जिंदगी आराम से गुजरेगी। रिस्क मैनेजमेंट भी यही है, आपको अपने बिजनेस के अंदर याद रखिएगा, कोई भी जब बिजनेस करता है, लिखिएगा, कोई भी पर्सन जब बिजनेस करता है, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। कोई भी बंदा जब बेटा बिजनेस करेगा, कोई भी पर्सन जब क्या करेगा, बिजनेस करेगा, तो उस बिजनेस में देयर 100 एंड 1000s ऑफ द रिस्क विल बी इन्वॉल्व। कभी कॉम्पिटिशन रिस्क है, कभी लीगल रिस्क है, कभी कोई रिस्क है, तो बहुत सारे क्या होंगे, रिस्क इन्वॉल्व होंगे। तो एक बिजनेस को अगर कामयाब होना है तो उसे करना सिर्फ क्या है, उसे फ्यूचर में आने वाले रिस्क को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि फ्यूचर में मुझे किस चीज से नुकसान हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो नुकसान बेटा क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, और वो नुकसान आइडेंटिफाई करने के बाद आप मुझे बताओ आप क्या करोगे। वो नुकसान आइडेंटिफाई करने के बाद उसे आप क्या करो, आप उसे मैनेज करो। तो अगर आपने ये काम कर लिया तो दैट इज आई वुड से इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही है जो अपने बिजनेस के अंदर सारे रिस्क को क्या कर ले, आइडेंटिफाई। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो इन दैट वेरी केस आप अपने रिस्क को मैनेज कर लोगे और आई एम टेलिंग यू आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, बस इतनी सी बात है। बट हम लोगों के साथ अब एक बात बताओ, छोड़ो बिजनेस को, गया भाड़ में ये, आप एक सिंपल सी बात बताओ, आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, आप बिजनेस को छोड़ो, अभी मैं आपकी बात कर रहा हूं, मुझे बताओ आपकी जो अभी लाइफ अभी चल रही है, डोंट यू थिंक इसमें बड़े सारे रिस्क इन्वॉल्व्ड है। देखो कैसे, तुम सीएस पता नहीं बने नहीं बने, इसमें तुमने 6 साल लगा दिए तुम सीएस ही नहीं बने, डोंट यू थिंक रिस्क इन्वॉल्व्ड है। तुम सीएस बन गए, नौकरी नहीं मिली, तुम्हारे लिस्टेड कंपनी में नहीं मिली, क्या रिस्क इन्वॉल्व्ड है? ये सारी बातें आती नहीं आती दिमाग में, ये सारे क्या है, रिस्क ही तो है तुम्हारे। अच्छा देखो, सीएस ही नहीं बने, बड़ा रिस्क। और सुनो, सीएस बन गए, नौकरी नहीं मिली, भाई ये तो खतरनाक रिस्क। अब आप मुझे बताओ, हाउ शुड यू मैनेज दीज रिस्क, अब बताओ आप इसे कैसे मैनेज करोगे आप? नहीं, खैर प्रैक्टिस, अच्छा चलो प्रैक्टिस में चले गए, क्लाइंट ही नहीं आया, प्रैक्टिस चलानी बड़ी मुश्किल काम है, आसान नहीं है प्रैक्टिस करना, हाँ जी, क्लाइंट ही नहीं आया, अब क्या करोगे, ना जॉब के रहे ना प्रैक्टिस के रहे, अब क्या, सीए कर लें अगले 6 साल सीए, व्हाट शुड आई डू? तो बेटा अब आपको यहां पे रिस्क कैसे मैनेज करना है, अपनी नॉलेज पे काम करके। मैं एक बात बताऊं, तुम लोग मेरी बात को समझना, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, हमें नॉलेज है, तो ये जो तुम्हारे दिमाग में वहम आते हैं ना, नौकरी नहीं मिलेगी, ये आएगा ही नहीं कभी, ये आएगा ही नहीं कभी दिमाग में बात। अगर तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज है, तुम्हें पता, यू हैव अ वेरी साउंड नॉलेज, तो सर ये जो दिमाग में तुम्हें जो रिस्क सता रहे हैं कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पास होंगे, ये कभी दिमाग में तुम्हारे बात ही नहीं आएगी। और आप देखो, आप अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो बस, और रिस्क मैनेज एज अ स्टूडेंट आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करनी है, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं आपको। तो दैट इज हैपनिंग ओवर द ईयर, एंड इसी को क्या नाम दिया जाता है, आई वुड से दिस इज कॉल्ड द रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज द रिस्क, और इसी चीज को मैनेज करने को क्या नाम दे दिया जाता है, जल्दी से बोलो, द रिस्क मैनेजमेंट। आई होप इट इज ओके विद यू। नाउ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, रिस्क एग्जाम्पल लिखेंगे सारे, हम आपको रिस्क हम समझा रहे हैं कि बिजनेस के अंदर बेटा रिस्क क्या होता है। एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, कोई बता सकता है मुझे, टेस्ला ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे, टेस्ला, ये जो किताबी बातें हैं ना, ये तो चलती रहेंगी, ये सारा लिखवा भी दूंगा तुम लोगों को, लेकिन पहले जब तक कॉन्सेप्चुअली पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, तो करोगे क्या पढ़ के? अच्छा एक बात बताऊं, बींग अ कंपनी सेक्रेटरी, ये टेस्ला है, और टेस्ला क्या बनाती है, ई व्हीकल, ये आप मान सकते हो कि वर्ल्ड के अंदर नंबर वन है ई व्हीकल में, जो इनके पास टेक्नोलॉजी है अभी किसी के पास नहीं है। और टेस्ला ने ही सबसे पहले, इलॉन मस्क ने ही सबसे पहले क्या किया था, ई व्हीकल लॉन्च किया था। तो दैट इज, अब टेस्ला जो है दैट इज इंडिया में भी आ गई है। कोई बता सकता है मुझे, अब टेस्ला इंडिया में आ गई है तो इतना बड़ी जॉइंट कंपनी है, कैन एनीबडी टेल मी एंड कैन यू आइडेंटिफाई द रिस्क फॉर द टेस्ला?
क्या आप कोशिश करें, कोई बता सकते? अब देखो इलोन मस्क की कंपनी भाई साहब, इतनी बड़ी कंपनी, क्या उसके अंदर उसको भी बिजनेस में रिस्क है या नहीं है? तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, बंदा छोटा है या बड़ा है, रिस्क तो सबको ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि भी टेस्ला को नहीं होगा और टाटा को हो जाएगा, यार रिस्क तो सबके साथ ही है, क्योंकि बिना रिस्क के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। अब वो टेस्ला हो या टेस्ला के पापा हो, रिस्क तो सर एप्पल को रिस्क नहीं है, है? एप्पल से तो कंपनी बड़ी कोई नहीं है, इतनी कैश रिच कंपनी है, उसको रिस्क नहीं है, उसको भी रिस्क है। अब आप मुझे बता सकता है एनीबडी इन द क्लास हाउ टू आइडेंटिफाई, मतलब टेस्ला को बिजनेस में क्या क्या रिस्क है, कोई बता सकता है मुझे? सबसे पहले कैन वी से कॉम्पिटिशन, बेटा कॉम्पिटिशन तो कभी भी आ सकता है, बताओ ये रिस्क है या नहीं, आप मुझे बताओ, इट इज अ रिस्क। अब आप मुझे बता दो जल्दी से, एक बात सोच के बता दो बेटा, कॉम्पिटिशन रिस्क है या नहीं है? अब आप मुझे जवाब दोगे बेटा, चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा, आप सारे मिलके मुझे जवाब दोगे, कॉम्पिटिशन रिस्क है तो टेस्ला इसको कैसे मैनेज करे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, चैप्टर का नाम क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। मैंने दो ही तो काम करने हैं, ये बताना है रिस्क क्या है और उसे मैनेज कैसे करना है। और ये चीज मैं ना बता के अगर मेरे स्टूडेंट ही मुझे बताने लग जाए तो हो गया चैप्टर खत्म। कोई बता दे क्या टेस्ला के लिए कॉम्पिटिशन रिस्क है या नहीं, मुझे बताओ जरा, यस नो? यस, बता दो टेस्ला इसको कैसे मैनेज करेगा? फैंटास्टिक अंडर, फैंटास्टिक आंसर लिखेगा, मैनेज कैसे होगा? ध्यान से सुनना, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आने दो कंपटीशन को, आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना है। सर याद रखिएगा, बिजनेस का असूल है, मैंने देखा एक चीज, पता है मैंने एक चीज देखी है, आप समझो इस बात को, अगर किसी के पास अच्छा प्रोडक्ट है ना और अच्छी सर्विसेज है, बंदा सात समंदर पार चला जाता है वो चीज लेने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपने है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक दो सुनिए, आप बस अपने प्रोडक्ट पे मेहनत करते रहिए, अपनी सर्विसेज पे मेहनत करते रहिए, आपको देखना ही नहीं कंपटीशन कौन है, आप देखना ऑटोमेटिकली आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। अब लेकिन आपने मुझे बताओ कंपटीशन आ रहा है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा दी तो आप खत्म हो जाओगे, लॉजिकल सी बात है भाई साहब, आप बिलीव नहीं करोगे, वैसे आपको पता होगा बिलीव करने वाली बात है, 2 लाख रुपए का मोबाइल फोन एप्पल का जब लॉन्च होता है, आई थिंक 14th of September के आसपास लॉन्च होता है, जब एप्पल का 2.5 लाख से 2 लाख रुपए का मोबाइल फोन लॉन्च होता है ना, रात के 12 बजे लाइनें लगती हैं स्टोर के अंदर, आपने अगर कभी टीवी में देखा हो, कैन यू इमेजिन 2 लाख रुपए का फोन खरीदने के लिए रात को 12 बजे लोग लाइनें लगा रहे हैं, और सर फोन लेकर कह रहे हैं वाओ मिल गया फोन, जैसे फ्री में बट रहे हो, जैसे भंडारा लगा रखा एप्पल ने, ले, कोई बता सकता है मुझे क्यों है दीवानगी? That is a क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब बताना जरा, सैमसंग का दिखा रात के 12 बजे फोन बिक रहा है भाई, अगले दिन भी नहीं बिकना, अगले महीने भी नहीं बिकना। सुना कभी ओप्पो वीवो के बाहर लाइन लग रही हो? That is the क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट पे ऐसी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो भाई साहब, खत्म कॉम्पिटिशन। जिसको एप्पल लेना है, एप्पल लेना है, दैट सिंपल, दैट इज द ओनली थिंग, दैट्स हाउ यू कैन किल द कॉम्पिटिशन। That is a risk that you are managing. कितना सिंपल है यार, चैप्टर का नाम बोलो, रिस्क मैनेजमेंट, यही तो है। वी आर गिविंग यू क्लासेस एट डबल ऑफ द प्राइजेस, यू नो दैट। हम लोगों ने, आप जो हमसे क्लासेस ले रहे हो, हम बहुत प्राउडली बोलते हैं ये, दैट हम लोग हमारी जो फीस है सबसे डबल ट्रिपल है, आपको पता होगा ये, एंड स्टिल वी हैव द मैक्सिमम स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया। प्रोडक्ट ही ऐसा है, यू कांट रेजिस्ट, दैट इज द ओनली डिफरेंस। एप्पल और हम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दैट इज द कॉम्पिटिशन। अच्छा, और रिस्क क्या है? देखिए, सबसे बड़ा रिस्क बताऊं क्या है टेस्ला में, इंफ्रा रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क है बेटा इंफ्रा रिस्क, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क। आपको बता दे, टेस्ला ई व्हीकल बनाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा रिस्क है? चार्जिंग स्टेशन। आप मुझे बताओ, मैं गाड़ी लेके चलूं और मुझे यह पता चले कि भाई मेरी गाड़ी चार्ज नहीं हो पाएगी, पेट्रोल में भरवा नहीं सकता, मुझे बताओ मैं गाड़ी लूंगा ही नहीं, तो क्या आप मुझे बताओ इंफ्रा रिस्क है या नहीं है टेस्ला को? बताओ, हाउ शुड आई मैनेज दिस? क्या मैं बोलूं, क्रिएट द इंफ्रा। और आजकल तो मैं देखता हूं, मैं जैसे मॉल में जा रहा हूं, तो मॉल में पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, तो वहीं पे है ना चार्जिंग स्टेशन है आप, और अलग अलग चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो कैन वी से वो दिन दूर नहीं है, हर पेट्रोल पंप के साथ एक चार्जिंग स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, या पेट्रोल पंप पे ही चार्जिंग स्टेशन भी बन जाएगा।
तो वो दिन दूर नहीं है. एंड द पीपल द कंपनीज आर डूइंग वर्क इन द दैट फॉर द चार्जिंग स्टेशन फॉर क्रिएटिंग मोर एंड मोर चार्जिंग स्टेशन. आर गेटिंग दिस? और अभी तो आपको पता है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर दैट और भी बड़ी सारी चीजें आ रही हैं. अभी है ना, ये मत सोचिएगा कि जो ई व्हीकल है वो एब्सोल्यूट हो गया है. अभी हाइब्रिड व्हीकल्स भी आ रहे हैं जो पेट्रोल और दैट इज इलेक्ट्रॉनिक को मिलाकर चलेंगे. तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि हाइब्रिड आगे टेक ओवर कर जाएगा कंप्लीट ई व्हीकल को. तो लेट्स सी आगे क्या होगा. अब एक हाइड्रोजन फ्यूल भी आ रहा है. तो बड़ी सारी चीजें दैट इज अबाउट टू कम इन द फ्यूचर. और अभी आपको पता है एक ऐसी गाड़ी भी आ रही है दैट और टेस्ला की तो आती है बाहर विदेशों में, दैट इज ड्राइवरलेस कार. मतलब आप क्या करो, आप गाड़ी में बैठो, टिक 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 दबाओ. मैं द्वारका में बैठा, मैंने टिक टिक दबा दिया लक्ष्मी नगर, आराम से सो जाओ. और वो यहाँ पे उतार के यहाँ पे गाड़ी आएगी और बोलेगी वेलकम यू हैव अराइव्ड एट लक्ष्मी नगर. दैट विल हैपन. अभी मैं बता, मुझे लगता है पर्सनली दिल्ली में कामयाब भी नहीं होनी. वहां पे अगर मैं टिक टिक लक्ष्मी नगर दबा दिया ना, वहां पे 50 बार किसी ना किसी से टक्कर खा के पहुंचेगी यहाँ पे. अब ये टेस्ला को बेचारे को इंडिया का पता नहीं है ना हम लोग कैसे हैं. यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे गाड़ी वाला थोड़ा ठोकता है किसी को. आदमी खुद आके कहता मार ले मेरे को. ऐसा होता है इंडिया के अंदर. कोई लेना देना ही नहीं है. तो पता नहीं ये ड्राइवरलेस कार मुझे लगता नहीं इंडिया में कामयाब हो पाएगी. लेट्स सी. हाँ, हो पाएगी? आपको क्या लगता है? हाँ, तो चलता रहता है. चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं. वी आर मूविंग फर्दर. पॉइंट नंबर सी, एक और रिस्क है. एंड द वेरी बिग रिस्क इज प्राइस रिस्क. इज अ वेरी बिग रिस्क इज अ प्राइस रिस्क इज अ वेरी बिग रिस्क. अच्छा, व्हाट इज प्राइस रिस्क? कैन वी सब, जो टेस्ला की कार है दे आर एक्सपेंसिव यार, क्योंकि क्वालिटी है तो एक्सपेंसिव भी होगी. अब दे दीज कार आर द एक्सपेंसिव कार्स. एंड अब आपका अब कॉम्पिटिशन किसके साथ है? टाटा के साथ. अब टाटा इज सेलिंग द कार एट 15 लाख रुपीज एंड टेस्ला इज सेलिंग द कार एट 60-70 लाख रुपीज. तो वो भी एक क्या है, प्राइस रिस्क है. लेकिन मुझे लगता है वो भी इसको कैसे मैनेज करेंगे, बताओ जरा, कोई बता सकता है? टेस्ला इसको कैसे मैनेज कर सकता है? वो क्या कर सकता है? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग खोल सकता है. अगर इंडिया में अभी तो क्या कर रहा है, गाड़ियां इंपोर्ट करेगा तो वो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो यू नो खर्चा आएगा. लेकिन कैनवी से अगर आपने गाड़ियां इंडिया में असेंबल करनी स्टार्ट कर दी तो क्या होगा? तो आपका वो प्राइस भी क्या पता कम आ जाए, तो आपका जो प्राइस रिस्क है वो भी आपका कम हो जाएगा. तो मुझे बताओ, बिजनेसमैन बिजनेस करते टाइम ये सारी चीजें सोचता होगा? ये सर नो, तभी तो बिजनेस होता है यार. इसी को बोला जाता है क्या, रिस्क. और इस तरीके से लोग बिजनेस को क्या करते हैं, मैनेज. दैट इज कॉल्ड मैनेजिंग द रिस्क. आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क? एक बार दोबारा रिस्क की डेफिनेशन पढ़ लो भाई. क्या, व्हाट इज रिस्क? एवरीबॉडी सारे बताएंगे मिलके बेटा, व्हाट इज रिस्क? एनीबॉडी, व्हाट इज रिस्क? तो रिस्क क्या है? दैट इज, आई वुड से दैट इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवेंट और अनसर्टेनिटी विल अकर एंड एडवर्सली अफेक्ट योर बिजनेस. एंड इन दैट वेरी केस, यहां पर आपको दो काम करने होते हैं. हर बिजनेसमैन दो काम करना है. अच्छा, एक बात बताओ, कंपनी के अंदर किसकी ड्यूटी है आइडेंटिफाई द रिस्क और मैनेज द रिस्क? कंपनी के अंदर किसकी ड्यूटी है टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड टू मैनेज द रिस्क? ये किसकी ड्यूटी है? लिखेगा, ये कंपनी के बोर्ड की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और लो में लिखा भी हुआ है दैट यू शुड मैनेज द रिस्क. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सारा काम करते हैं. एंड दैट इज, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे नहीं है, रिस्क मैनेज नहीं हुआ, तो बिजनेस खत्म हो जाते हैं. और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, दिखेगा. एक एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा सा कंप्लीट एग्जाम्पल है, लिखेगा रिस्क के ऊपर. वन मोर एग्जाम्पल ऑन द रिस्क. लिखे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे. स्टेप वन, ये थोड़ा सा लास्ट क्लास में बताया था, आई जस्ट टेक वन मिनट, इस एग्जांपल को खत्म करते हैं. इंडिया के अंदर जो हमारी नोकिया कंपनी थी दैट वाज एट नंबर वन, स्टेप टू. लेकिन इसको एक रिस्क फेस करना पड़ा, और रिस्क कौन सा था? टेक्नोलॉजिकल रिस्क. और वो रिस्क क्या था? वो रिस्क मैं आपको बता दूं था, एप्पल. एप्पल लॉन्च हुआ और इन्होंने अपना एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, iOS. और सर एंड्रॉयड ने एक लॉन्च कर दिया क्या, सॉरी एंड्रॉयड कह रहा हूँ, गूगल ने लॉन्च कर दिया दैट इज एंड्रॉयड.
हुआ क्या बेसिकली, जब गूगल ने एंड्रॉइड को और एप्पल ने आईओएस को लॉन्च किया तो व्हाट हैपन बेसिकली, तो हुआ क्या, स्टेप नंबर थ्री, साफ साफ नोकिया को रिस्क दिख रहा था, बट नोकिया ने यू नो नोकिया शायद एटीट्यूड में आ गया, नोकिया एटीट्यूड में आ गया कि हम नहीं करेंगे। अच्छा क्या हुआ पता है, दैट ये मेरे साथ भी हुआ, ये एक गलती मैंने भी कर दी। क्या हुआ, जब कोविड आया ना, तो कोविड आने के लॉकडाउन हो गया था, तो जो पहले छः महीने थे ना, उस छः महीने के अंदर मैंने पता क्या, अब मेरे में एटीट्यूड था, मैंने कहा भाई हम नहीं पढ़ाने वाले यूट्यूब पे ऑनलाइन, हटा। तो पहले छः सात महीने ऑनलाइन हमने स्टार्ट ही नहीं किया कुछ, और पता मैं अपने आप को क्या कह रहा था, मतलब दैट वॉज माई मिस्टेक, और मैं अपने आप को क्या कह रहा था, ये यूट्यूब भी बंद करवाऊंगा मैं, हम अपनी ऐप बनाएंगे, उस ऐप के ऊपर क्लास डालेंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे, बच्चों को लेकर आएंगे, और यूट्यूब पे कोई क्लास ही नहीं देखेगा। तो दैट वॉज मिस्टेक डन बाई मी, छः सात महीने में एप्पल पे आया ही नहीं, सॉरी एप्पल कह रहा हूँ, यूट्यूब पे आया ही नहीं, और वी आर प्रोवाइडिंग क्लासेस ओनली ऑन द अपनी ऐप अकेडमी 99, दैट वॉज अ बिगेस्ट मिस्टेक वी डिड। लेकिन मैं बहुत जल्दी उसको मैंने चेंज कर दिया, नहीं तो नोकिया वाली कहानी हो जाती। अगर वो तीन साल अगर आज तक हम लोग यूट्यूब पे नहीं आते, अब क्या होता है ना, यूट्यूब पे क्लास ओपन है, ओपन प्लेटफॉर्म है, तो वो रिकमेंड भी करता रहता है, आपको वीडियो दिखी, बच्चे ने देखी, चल भाई ठीक है। लेकिन एप्पल जो आपकी ऐप है, ऐप के ऊपर तो सिर्फ कौन आएगा, जिसके पास ऐप डाउनलोडेड है। तो ये जो भूल थी वो नोकिया ने कर दी, और नोकिया ने क्या अडोप्ट नहीं किया, अब वो किस एटीट्यूड में आ गया, एंड्रॉयड कुछ नहीं है, हम एंड्रॉयड को ख़त्म कर देंगे। और इन्होंने पता टाइप किससे किया, माइक्रोसॉफ्ट से, और इन्होंने पता कौन सा, ये तो समझ में आता है ना आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपके फ़ोन में अगर एप्पल का फ़ोन है तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे आईओएस बोलते हैं, और जो आपका मोबाइल फ़ोन सैमसंग वगैरह का है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर अब वो जो पिक्चर आपको दिख रही है या चैट बॉक्स व्हाट्सएप आप खोल रहे हो, उसको बोला जाता है क्या, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन्होंने ना, अच्छा एप्पल तो अपना आईओएस किसी को देगा नहीं, एंड्रॉयड उसने लेने से मना कर दिया, और इसने किससे हाथ मिला लिया, माइक्रोसॉफ्ट का। इन्होंने पता कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिया, इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम लिया बेटा विंडो का, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके लैपटॉप में यूज होता है। अब लैपटॉप में वो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन मोबाइल फोन में वो सक्सेसफुल हुआ नहीं। एंड देखते ही देखते जो स्टेप नंबर फोर, देखते देखते क्या हुआ, नोकिया माना नहीं, और उसने अपने जो फोन है वो निकालने स्टार्ट कर दिए, किसके साथ, विंडोज के साथ। और नोकिया ने अपनी एक मोबाइल फोन सीरीज निकाली, लूमिया, शायद आप लोगों को पता हो, लूमिया फोन की सीरीज थी। और उसके बाद देखते ही देखते नोकिया खत्म होने लगा, नोकिया इज गेट फिनिश्ड, देखते ही देखते बेटा नोकिया क्या हो गया, नोकिया फिनिश हो गया। एंड दैट इज, उसके बाद क्या हुआ, जब नोकिया नहीं चला तो पता है नोकिया ने अपने आप को टेक ओवर कर लिया, सॉरी अपने आप को टेक ओवर करवा दिया। और फाइनली इस कंपनी को टेक ओवर किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट टेक ओवर नोकिया, और माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर किया किसको, नोकिया को। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने मोबाइल फ़ोन निकालने स्टार्ट किए, एंड इन दैट वेरी केस माइक्रोसॉफ्ट भी इट वाज अ कंप्लीट फेलियर, माइक्रोसॉफ्ट भी नोकिया को नहीं चला पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, दैट एक कंपनी थी HMD ग्लोबल, क्या नाम था कंपनी का, HMD ग्लोबल, HMD ग्लोबल ने माइक्रोसॉफ्ट से जो नोकिया ब्रांड है वो रेंट पे ले लिया, खरीदा नहीं, वो नोकिया ब्रांड क्या ले लिया, रेंट पे ले लिया। और बोला माइक्रोसॉफ्ट को, आप तो नोकिया ब्रांड यूज़ कर नहीं रहे हो, तो आप क्या करो, आप ये ब्रांड हमें दे दो, हम फोन बना लेंगे। और HMD ग्लोबल ने क्या किया पता है, लिख लीजिएगा, HMD ग्लोबल ने लिखिएगा, नोकिया फ़ोन दोबारा से स्टार्ट किया। आपको पता है आज की डेट में नोकिया फ़ोन अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हो। और पता है नोकिया फ़ोन किसके साथ आए, एंड्रॉयड के साथ, और एंड्रॉयड के साथ लाने वाला था कौन, HMD ग्लोबल, ना माइक्रोसॉफ्ट ना नोकिया। तो HMD टेक ओवर, HMD ने नोकिया का ब्रांड ले लिया, एंड देन आपने क्या किया, करना स्टार्ट कर दिया, अब एंड्रॉयड के साथ फोन निकालने स्टार्ट कर दिए। लेकिन ये फिर भी नहीं चल पाया, बोलो क्यों, तब तक इंडियन मार्केट में दुनिया भर के प्रोडक्ट की भरमार हो चुकी थी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, पोको, रेडमी, शाओमी, भाई पता नहीं कौन कौन से फ़ोन हैं, और टेक्नो, एक इसका लक्ष्मी नगर में यहाँ पे वो लगा हुआ है, आपने देखा होगा एडवर्ट, एक बोर्ड लगा हुआ है टेक्नो, तो पता नहीं कितने ब्रांड आ गए थे, और सैमसंग वगैरह तो थी। तो इन दैट वेरी केस ये ब्रांड अब नहीं चल पाया है, द पीपल आर एक्चुअली नॉट फोकसिंग ऑन दैट फोन। देखिए किस तरीके से रिस्क होते हैं बिजनेस में, और आप अगर मैनेज नहीं करते तो कैन वी से किस तरीके से बिजनेस खत्म हो जाते हैं। अगर नोकिया उसी टाइम क्या कर लेता, एंड्रॉयड को ऑप्ट कर लेता,
तो शायद क्या पता आज भी नोकिया नंबर वन होता और वो कड़ी टक्कर दे रहा होता सैमसंग को और एप्पल को, बट ऐसा हो ना सका। और उस एक फोन को बना के एप्पल देखो कहां से कहां पहुंच गई। दे हैव मैनेज द रिस्क एंड दैट इज दे द नोकिया हैज नॉट एबल टू मैनेज द रिस्क। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब बिजनेस अगर कोई बंदा कर रहा है ना और अगर उसे रिस्क मैनेज करना नहीं आता तो याद रखिएगा वो बिजनेस कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। बाकी सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। तो दैट इज द मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिस्क। आई होप आपको ये शब्द जो है रिस्क समझ में आ रहा है। एक्चुअली रिस्क होता क्या है एक बार जरा दो बता। अच्छा, कैन वी से फ्यूचर में जो चीजें गलत होने वाली हैं उसको आइडेंटिफाई करना रिस्क है, और अगर उसमें तुम फंस जाओ उसे मैनेज करना क्राइसिस है। बताया था ना रिस्क मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट सब डिस्कस किया था। तो इतने सारे एग्जांपल दे दिए, एक बार जल्दी से बता दो मुझे व्हाट इज रिस्क एवरीबॉडी। जल्दी से एक बार लास्ट बार बता दो एंड देन वी आर मूविंग फर्दर। दोस्तों जल्दी से बताओ व्हाट इज रिस्क। रिस्क इज नथिंग, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट एन इवेंट और अनसर्टेनिटी विल अकर एंड एडवर्सली अफेक्ट यूर बिजनेस। इसी को क्या बोला जाता है रिस्क, और नो रिस्क नो बिजनेस। तो आई होप रिस्क शब्द के ऊपर काफी सारी चीजें लिख ली हैं। लिखो जरा क्वेश्चन नंबर टू, हेडिंग लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क कितने तरीके के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क लिखिए प्लीज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। द फर्स्ट वन, सिस्टमैटिक रिस्क। दूसरा लिखिएगा अनसिस्टमैटिक रिस्क। एक हो गया सिस्टमैटिक रिस्क, एक हो गया बेटा अनसिस्टमैटिक रिस्क। और तन्वी ने बहुत शॉर्ट शब्दों में बहुत अच्छा लिखा है, इवेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज अ रिस्क। बिल्कुल सही है। लिखो भाई सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है भाई। पॉइंट वन, इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम इस पेपर में खासकर क्या करने वाले हैं, सारी चीजों के नोट्स हम लोग बनाने वाले हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा रिस्क होता है जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती। लिखिएगा इट इज अनकंट्रोलेबल रिस्क, इट इज अनकंट्रोलेबल रिस्क। ये एक अनकंट्रोलेबल रिस्क होता है। और लिखिएगा दिस इज, इट इज एक्चुअली अनसिस्टमेटिक, इट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज पॉइंट वन। और पॉइंट सेकेंड लिखिएगा इट इज कंट्रोलेबल रिस्क, इट इज अ कंट्रोलेबल रिस्क। तो वन इज इट इज सिस्टमैटिक रिस्क, इट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। और तीसरा लिखेगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखेगा दैट इज कोविड। अब आप मुझे बताओ क्या ये सिस्टमैटिक, ये कंट्रोल कर सकते हो तुम लोग? इट इज अ अनकंट्रोलेबल रिस्क, आप इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, क्या कोविड के अंदर पता है बड़े से बड़े बिजनेस खत्म हो गए, लोगों की दुकानें बंद हो गई, लोगों की जॉब चली गई, और इस रिस्क को कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता? दैट इज पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, और यहीं पे लिखिएगा इसका एग्जांपल। चलो इसका एग्जांपल आप देना भाई, अनसिस्टमैटिक, कैन वी से फ्रॉड इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या, और यार एक बात बताओ मुझे, क्या ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो सकते हैं? 100% यस। इफ यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन तो याद रखिएगा दैट इज एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सब्जेक्ट टू द फ्रॉड बाय द एम्प्लॉइज। कंपनी के एम्प्लॉइज क्या कर सकते हैं? फ्रॉड कर सकते हैं, एंड इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, क्या फ्रॉड इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप क्या कर सकते हो, क्या उसे मैनेज कर सकते हो, क्या इसे कंट्रोल कर सकते हो? यस। एक बात बताऊं तुम्हें, इसको मैनेज करने के लिए, फ्रॉड इन द ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, कोई बता सकता है? मतलब ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड ना हो, इस सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है मालूम? एनी आइडिया? ऑनलाइन वालों तुम बता दो, एनी आइडिया? लिखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, एंड इट इज विसल ब्लोवर पॉलिसी। नाम तो सुना होगा, विसल ब्लोवर पॉलिसी। आप एक नाम सुना, विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोवर,
सुना है ना, तो इट इज नथिंग, इट इज कंट्रोलिंग द रिस्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड क्या मैं बोल सकता हूँ विसल ब्लोवर पॉलिसी बना के आप क्या कर सकते हो? अच्छा उसमें क्या होता है, इंप्लॉय को राइट होता है कि अगर कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह चल रहा है तो उसकी कंप्लेन हायर मैनेजमेंट को कर दे। तो मुझे बताओ, अच्छा एक बार बताओ, जब अच्छा एक बताओ सीसीटीवी क्यों लगाए जाते हैं? मतलब अगर आप देखोगे हल्दीराम में जाओ या कहीं पे भी जाओ, तो वहां पे अगर आउटलेट पे जाओगे तो वहां पे सीसीटीवी क्यों लगा रखे हैं? डोंट यू थिंक इट इज मैनेजिंग द फ्रॉड एक्चुअली? तो सीसीटीवी क्या है, क्या मैं बोलूं, रिस्क को कंट्रोल ही तो कर रहे हैं, इट इज अ कंट्रोलेबल रिस्क। और आप मुझे बताओ यहां पे विसल ब्लोवर पॉलिसी के अंदर अगर लोगों को यह पता होगा कि अगर मैंने फ्रॉड किया और इसको पता चल गया ये हायर मैनेजमेंट को कंप्लेन करेगा तो मुझको निकाल दिया जाएगा, कोई फ्रॉड करेगा ही नहीं। अगर तुम्हें यह पता है ना कि यहां पे कैमरे लगे हैं तो तुम कोई गलत हरकत करोगे ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो क्या मैं बोलूं कि जो फ्रॉड इन द ऑर्गेनाइजेशन ये कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं? आंसर इज यस, आप कंट्रोल कर सकते हो, डेफिनेटली आप कंट्रोल कर सकते हो। यस यस तन्वी, पॉइंट नंबर फोर, ये डिफरेंस आ सकता है पेपर में, लिखेगा। अच्छा, इट अफेक्ट्स, जो ये सिस्टमेटिक रिस्क होता है ना, इट अफेक्ट्स नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझने की कोशिश करते हैं इसको, इट अफेक्ट्स नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट अ सेम टाइम। इसका मतलब बताओ, अब अगर कोविड आएगा तो क्या बस हल्दीराम इफेक्ट होगा या जितनी फूड चेन है सब इफेक्ट होने वाली, सब इफेक्ट होने वाली है सर। पॉइंट नंबर फोर, लेकिन इसका आंसर आप देंगे, जल्दी से बताओ, इट अफेक्ट्स ओनली अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट अफेक्ट्स ओनली अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या करता है, एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही अफेक्ट करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फाइव, चार नंबर का क्वेश्चन आएगा, देखो बहुत कुछ कंटेंट लिखवा दिया, एज इट इज लिखना है पेपर में, कुछ नहीं करना आपको। पॉइंट नंबर फाइव, इट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सर इट डिपेंड ऑन व्हाट? इट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब सर ये बाहर के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोविड बताओ आपके आपकी कंपनी में से आया था कोविड? नो, दैट इज इट वाज ओनली फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर। और इसका आंसर बोलो, इट डिपेंड्स ऑन इंटरनल फैक्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल फैक्टर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। तो दीज आर द काइंड ऑफ रिस्क, द टू काइंड ऑफ रिस्क। अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, हम लोगों को ये सारे के सारे जो रिस्क हैं क्या मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अच्छा कुछ रिस्क है ना, कैन वी से मैनेज हो भी सकते हैं, कुछ रिस्क मैनेज नहीं भी हो सकते। अभी थोड़ी सी देर में हम इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। क्या आप बताओ क्लासिफिकेशन समझ में आ गई? कितने तरीके की क्लासिफिकेशन होगी? तो पहला बोलो सिस्टमैटिक, सेकंड बोलो अनसिस्टमैटिक। ठीक है, सिंपल है यार, लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। टाइप ऑफ रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क बेटा दो तरीके के होते हैं, वन इज द फाइनेंशियल रिस्क, वन इज द फाइनेंशियल रिस्क, सेकेंड बोलो क्या लग रहा है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क। वन इज द फाइनेंशियल रिस्क, द सेकेंड वन इज द नॉन फाइनेंशियल रिस्क। देखो पढ़ाई है ना, इतनी बोरिंग भी नहीं है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इट इज अ फाइनेंशियल रिस्क एंड इट इज अ नॉन फाइनेंशियल रिस्क, लिखिएगा। ऐसे रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, लिखेगा डायरेक्टली इंपैक्ट, ऐसा बोला जाता है डायरेक्टली इंपैक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, डायरेक्टली इंपैक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, directly impact the financial position of the company, बेटा इसी को नाम दिया जाता है क्या, financial risk। जब आप क्या करते हो बोलो, directly अपनी financial position, कोई भी ऐसा risk जो आपकी financial position को directly hamper कर दे, तो इसी को क्या नाम दे दिया जाता है, जल्दी से बताइएगा, इसी को बेटा नाम दे दिया जाता है, that is what the financial risk। इसके बड़े सारे example देंगे अभी, बड़े सारे, एक नहीं बहुत सारे example है, लेकिन लिखेगा ऐसा risk, हाँ जी जो आपको इनिशियली तो आपको फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं करेगा, इनिशियली तो आपको बेटा फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन लेटर ऑन
आपके फाइनेंशियली आपको इम्पैक्ट कर भी सकता है, लेटर ऑन आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर भी सकता है. तो लेटर ऑन आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर भी सकता है, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल लेटर फाइनेंशियल इम्पैक्ट. और इसको क्या मैं बोल सकता हूँ एक लाइन और, इट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी. Indirectly impact the that is financial position of the company. बोलो दोनों में क्या फर्क है, एक केस में क्या हो रहा है दूसरे केस में क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए. पहला केस आप डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे हो, दूसरा केस दैट इज आपका जो इंपैक्ट है फाइनेंशियल इंपैक्ट वो डायरेक्टली नहीं आ रहा है, वो क्या आ रहा है इनडायरेक्टली आ रहा है. तो दैट इज अ डिफरेंस. अब आप बोलोगे सर इसके कुछ एग्जाम्पल बताइए, मैं कह रहा हूं एक एग्जाम्पल नहीं बेटा, दुनिया भर के एग्जाम्पल आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल रिस्क जो आपके डायरेक्टली फाइनेंशियल को इंपैक्ट करेगा फाइनेंशियल रिस्क है, जो आपके डायरेक्टली फाइनेंशियल को इंपैक्ट नहीं करेगा वो क्या है, वो नॉन फाइनेंशियल रिस्क है. अच्छा अभी जब हम 5 मिनट के बाद अभी मैं आपको जब एग्जाम्पल दूंगा तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली. तो बड़े सारे एग्जाम्पल इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, और आप बोलो तो पहले ये एग्जाम्पल ही लिखवा दूं. लिख लो, चलो एक एक करके सारे के सारे एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करते हैं. और आप है ना, मैं आपको जो एग्जाम्पल दूंगा आप कोशिश करना उसको प्रैक्टिकली समझने की, ठीक है. लिखो जरा, ये अभी बस लिखवा रहा हूं क्योंकि आपने बोल दिया, वैसे मैंने लिखवानी नहीं थी ये, फिर इसको एक्सप्लेन थोड़ी देर में करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं. Examples of financial risk. Financial risk के कुछ example देखते हैं क्या क्या हैं. Examples of financial risk. What are the various examples of the financial risk? So that is the first thing first. That is financial risk. और यहां पे लिखिएगा that is examples of non-financial risk. लिख लीजिएगा प्लीज, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिस्क लिख लो भाई. फर्स्ट पॉलिटिकल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, जितने भी रिस्क हैं सारे के सारे हम लोग यहां कवर करने वाले हैं. पॉलिटिकल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क लिखिएगा यहां पे. कंप्लायंस रिस्क दूसरा लिखिएगा, स्ट्रेटेजिक रिस्क, दैट इज और भी बड़े सारे हैं, अभी और भी बड़े सारे हैं, दैट इज फ्रॉड रिस्क, अभी लिख लीजिए प्लीज, दैट इज अ फ्रॉड रिस्क. रेपुटेशन रिस्क पांचवा, डिजास्टर रिस्क और अभी तो है ना इसमें भी देखो कनेक्टिविटी करेंगे. पता है क्या मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिस्क कौन से हैं, और फिर पता है क्या पूछूंगा, अब बताओ ये वाला फाइनेंशियल रिस्क सिस्टमेटिक है या नॉन सिस्टमेटिक है. अभी सारी चीजें मर्ज हो जाएंगी, अभी आप बस लिख लो थोड़ा सा. इंडस्ट्री रिस्क ट्रांजेक्शन रिस्क ग्रेट. और यहां पे कितने हो गए थे, दो. तीसरा लिखिए यहां पे, करेंसी रिस्क के लिए बड़े सारे एग्जांपल मैंने लिए. क्रेडिट रिस्क इक्विटी रिस्क ऑब्सोलेंस रिस्क ऑब्सोलेंस रिस्क लीगल रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क दैट इज गिवन. तो ये सारे के सारे कुछ एग्जाम्पल फाइनेंशियल रिस्क के हैं, कुछ एग्जाम्पल नॉन फाइनेंशियल रिस्क के हैं. क्या बात समझ में आ गई. अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि भाई पॉलिटिकल रिस्क क्या है, लिक्विडिटी रिस्क क्या है, स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है, सारे के सारे रिस्क हम डिस्कस करेंगे. पहले एक बार छोटा सा रिकैप करेंगे प्लीज, मुझे बताओ जल्दी से सबसे पहले मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, मुझे ये बता दो जल्दी से.
मैंने ये पढ़ा दैट आई वॉज आस्किंग फ्रॉम यू कि ये बता दीजिए मुझे दैट रिस्क कितने तरीके, क्लासिफिकेशन क्या थी ये बता दो पहले. व्हाट वॉज द क्लासिफिकेशन जल्दी से बताओ. तो क्लासिफिकेशन क्या थी, दो तरीके के. वन इज, एक कौन सा था, सिस्टमैटिक, और दूसरा कौन सा था, दैट इज अनसिस्टमैटिक. और सिस्टमैटिक में क्या था, जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, और अनसिस्टमैटिक जो हमारे कंट्रोल में था. उसके कुछ एग्जांपल भी हम लोगों ने डिस्कस किए कि कौन से हमारे कंट्रोल में थे और कौन से हमारे कंट्रोल में नहीं थे. अब एक एक करके, और उसके बाद फिर पढ़ा फाइनेंशियल, जो डायरेक्टली फाइनेंशियल आपके पैसे को, आपके फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट करे, फाइनेंशियल रिस्क, अदरवाइज नॉन फाइनेंशियल रिस्क. अब इसमें सबसे पहले एक रिस्क कौन सा आ रहा है, पॉलिटिकल रिस्क. अब जरा देखो पॉलिटिकल रिस्क देखिए. फाइनेंशियल रिस्क के अंदर पहला रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क के अंदर बेटा पहले रिस्क का नाम लिखेंगे, दैट इज अ पॉलिटिकल रिस्क. लिखो जरा, पॉलिटिकल रिस्क क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं विद एग्जांपल. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल रिस्क, लिखिए. सी नाउ, पॉलिटिकल रिस्क, दीज रिस्क रिलेट टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी. दीज रिस्क रिलेट टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, नेमली जैसे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से बड़े सारे रिस्क हो सकते हैं, जैसे इलेक्शंस, ये सब पॉलिटिकल रिस्क आते हैं. इलेक्शंस, वॉर, दैट इज वॉर. राइट्स या रियर्ट्स, वट एवर, चेंज ऑफ पॉलिसी, चेंज ऑफ पॉलिसी दैट इज गिवन ओवर दियर, चेंज ऑफ बिजनेस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, चेंज ऑफ बिजनेस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज गिवन ओवर दियर. ये सारे के सारे पॉलिटिकल रिस्क हैं, ये पॉलिटिकल की वजह से हैं, पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हैं. अब आप मुझे बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूं. देखिए आप मुझे बताओ जल्दी से, हमारे देश में बड़ी सारी ऐसी कंपनी थी, हमारे देश में ऐसी बड़ी सारी कंपनी थी जो बेटा पॉली बैग बनाती थी, या पता है किसी को क्या बनाती थी, पॉली बैग्स. अब आप मुझे बताओ क्या सरकार की पॉलिसी चेंज हो गई, और क्या पॉली बैग्स जो प्लास्टिक बैग्स हैं, क्या मुझे बताओ वो पूरे बैन हो गए, नहीं हो गए. अब पूरे के पूरे बैन हो गए, आप मुझे बताओ इससे कंपनी की कंपनी खत्म हो गई, और आप मुझे बताओ जो जो करोड़ों रुपए का बिजनेस किसमें कर रही थी, पॉली बैग्स बनाने के अंदर, तो आप मुझे बताओ वो पूरी की पूरी कंपनी खत्म हो गई, नहीं हो गई. क्या इसने आपके बिजनेस को डायरेक्टली फाइनेंशियली इंपैक्ट करा या नहीं करा, मुझे बताओ. इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, बोलो, पॉलिटिकल रिस्क इज अ फाइनेंशियल रिस्क. किस कैसे, एक मान लो पॉली बैग बना रही हो, दूसरे क्या बना रही है, पेपर बैग बना रही है. अब आप समझो जूट बैग बना रही है. अच्छा एक बात बताओ मुझे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या आपको नहीं लगता कि पॉली बैग्स बना, समझने की कोशिश करिए बिजनेस को. आई एम मेकिंग द प्लास्टिक बैग्स, माई टर्न ओवर वॉज 2,000 crore rupees पर एनम ऑफ द प्लास्टिक बैग्स. अब वो प्लास्टिक बैग्स बनने बंद हो गए, क्या आपको लगता है 2,000 crore के जूट बैग्स बिकेंगे, लिटरली इम्पॉसिबल है. मैं बता रहा हूं आपको, लिटरली इम्पॉसिबल है ये. ऐसा हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या पता वो मार्केट जूट बैग्स या पेपर बैग्स कवर कर ले, और क्या पता उसमें 5 साल लग जाए. लेकिन आप मुझे बताओ, पिछले साल मैंने प्लास्टिक बैग से 2,000 crore कमाए, और प्लास्टिक बैग आज बंद हो गए, क्या आप एश्योरिटी से बोल सकते हो इस साल बंदा दो, और मेरा टारगेट क्या था, इस साल मैं 3,000 crore कमाऊंगा. मुझे बताओ 3,000 crore का नेट लॉस हो गया, नहीं हो गया. हो सकता है पेपर बैग आपको कुछ कवरेज दे दे, लेकिन उतनी नहीं हो सकती, क्योंकि पता है पूरी सप्लाई चेन होती है यार. इसको प्लास्टिक बैग जाने, एकदम से वो सप्लाई चेन रुकेगी, कई लोग कहेंगे नहीं हमें प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए, लोग कहेंगे हम अपने घर के थैले लेके जाएंगे. मुझे बताओ बिजनेस हैम्पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, 100% होगा. जूट बैग 100 crore के नहीं बिकेंगे इन कंपेरिजन टू द 2,000 crore rupees. यही बिजनेस है, दैट इज अ बिजनेस एक्चुअली. लोग रेजिस्ट कर जाते हैं,
और यू नो ह्यूमन बिहेवियर है, जब चेंज आता है ना मार्केट में, लोग रेजिस्ट करते हैं. दैट हैपेंस एक्चुअली. बात समझ में आ रही है आपको? तो दैट, अच्छा सारी बातें छोड़ो, दिल्ली के अंदर क्या आप मुझे बताओ, आप लोग अपने घर से थैला लेके जाते हो? नहीं लेके जाते सर. और क्या हम लोग पोली पेपर बैग्स लेके जाते हैं? नहीं. लोग रेजिस्ट करते हैं इन चीजों को, द पीपल एक्चुअली डू. तो दैट इज द पॉइंट एक्चुअली. आई होप यू गेटिंग दिस. हाँ, अब देखो एक चीज सुनिए, वो कंपनी पोली बैग्स बनाती थी, उसने एक और अपना वर्टिकल स्टार्ट कर दिया. किसका? पेपर बैग का. इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट. ये रिस्क नहीं है, पेपर बैग बनाना तो रिस्क को मैनेज कर गया, क्योंकि आप बिजनेस उसी में हो. तो आपने जूट बैग्स, पेपर बैग्स और लकड़ी के बैग, अलग अलग तरीके के बैग्स आपने बनाने स्टार्ट कर दिए ताकि कवरेज आ जाए. तो ये रिस्क मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, और जितनी भी प्लास्टिक बैग कंपनी थी एक्चुअली वो कर ही यही रही है. तो दैट इज द पॉलिटिकल रिस्क. अच्छा एक बात बताओ, जो ये बेटा पॉलिटिकल रिस्क है, आप सोच के बताना, दिस पॉलिटिकल रिस्क जो पॉली बैग्स आने की वजह से, पॉली बैग बैंग होने की वजह से कंपनी डूब गई, मुझे बताओ ये कौन सा रिस्क है? इज इट कंट्रोलेबल? इज इट कंट्रोलेबल? क्या मुझे बताओ गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज कर सकते हो क्या तुम, या इट इज अनकंट्रोलेबल? तो लिखिएगा इट इज अनकंट्रोलेबल. फैंटास्टिक यार. और बताओ ये कौन सा रिस्क हुआ फिर? ये बेटा अनसिस्टमेटिक रिस्क हुआ या ये सिस्टमेटिक रिस्क हुआ? तो लिखिएगा इट बिकम अ सिस्टमेटिक रिस्क. आई होप यू गेटिंग दिस. फाइनेंशियल रिस्क, सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, आपको समझ में आ गया? आई होप इट इज. देश में दंगे हो जाए तो क्या बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा. यस सर, एक बार हुआ है सर. रोहतक में जाट आंदोलन हुआ, और रोहतक में क्या कह रहा हूँ, हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, और वहाँ पे आपको पता है जो ये मुरथल वाला रोड है पूरा ब्लॉक कर दिया था. तो कैनवी से लोग ना इधर से उधर जा रहे थे, ना उधर से इधर जा रहे थे. कैनवी से लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है इसके अंदर. तो क्या आप मुझे बताओ अगर ऐसे हो रहे हैं, और अच्छा ये राइड्स हो क्यों रहे हैं? बिकॉज क्या पता पॉलिटिशियंस ने कुछ डिसीजन ले लिया हो. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किसान आंदोलन. मुझे बताओ क्या क्या पॉलिटिकल पार्टी ने बोला ना कानून बना देंगे, एमएसपी हम तैयार करेंगे, उनकी वजह से आप मुझे बताओ जाट आंदोलन, सॉरी किसान आंदोलन हुआ या नहीं हुआ, और कितना नुकसान हुआ है क्या आप इमेजिन कर सकते हो? क्या लोगों के बिजनेस भी बंद हुए हैं? लोग अब धरने पे बैठे हैं, बिजनेस बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिस्क. और एक बात बताओ, रोड ब्लॉक कर दिए लोगों ने, वैसे किसानों ने किए नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ रोड ब्लॉक हो जाते और लोगों का इधर से उधर आना, ट्रांसपोर्टेशन का धंधा चौपट, दूध दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली जा रहा है, पानी जा रहा है, फल जा रहे हैं, सब्जी जा रहे हैं, क्या सारा धंधा चौपट हो गया? नहीं हो गया. यस इट इज अ रिस्क एंड यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, इट इज अनकॉन. लेकिन हाँ मैनेज किया जा सकता है कोई ना कोई तरीका निकाल के. वॉर, अब आप मुझे बताओ जल्दी से, अभी किसके बीच में लड़ाई थी? रशिया और यूक्रेन के अंदर. मुझे बताओ देश के देश तबाह हो जाते हैं सर, उसमें तुम क्या मैनेज करोगे? उसमें तो तुम घर में दुबक के बैठो कि हमारे ऊपर कोई बॉम्ब आके ना गिर जाए, उस केस में तो आप ये सोचोगे दैट्स इट. तो दीज आर द वेरियस इलेक्शन. भाई ये तो और भी खतरनाक है. सोच के देखिएगा, आई एम डूइंग अ बिजनेस इन अ कंट्री जहाँ पे एक गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट चेंज हो गई. आपको नहीं लगता गवर्नमेंट चेंज होगी तो बिजनेस करने की पॉलिसी चेंज होंगी? पॉलिसी अगर चेंज होंगी तो सर क्या बिजनेस को हैम्पर होगा या नहीं होगा? इन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते. बीजेपी की गवर्नेंस मॉडल अलग है, याद है लास्ट क्लास में गवर्नेंस बताया था. कांग्रेस का गवर्नेंस मॉडल अलग है, केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल अलग है. अब आप मुझे बताओ जब सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होगी तो क्या सबके गवर्नेंस मॉडल चेंज होंगे? उनके काम करने का तरीका आप मुझे बताओ चेंज होगा या नहीं होगा? यस, केजरीवाल साहब दिल्ली में बोलते हैं फ्रीबीज देंगे, लेकिन सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं फ्रीबीज नहीं देनी, पैसे लेंगे हम, आप इंफ्रा क्रिएट करेंगे. अब पता नहीं कौन सही है कौन गलत, आई डोंट नो, बट दैट इज हैपनिंग. क्या सबका गवर्नेंस मॉडल आप मुझे बताओ अलग अलग है या नहीं है? कांग्रेस अलग तरीके से काम करती थी. आज आप क्या करो, बड़े बुजुर्गों के अंदर बैठ जाओ आप, और वहां पे मान लो 10-15 लोग पंचायत लगा के बैठे हैं, तो उनके बीच में दो बातें होंगी, एक तो क्रिकेट के ऊपर और एक पॉलिटिक्स के ऊपर. तो उसमें से पांच लोग बोलेंगे बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया देश का, और फिर बाकी के चार क्या बोलेंगे? बाकी के चार बोलेंगे अबे चल कांग्रेस ने कर दिया 70 साल से देश का सत्यानाश. और एक बीच में खड़ा होकर बोलेगा पता है क्या, तुम सब गलत कह रहे हो, ये केजरीवाल आएगा देश तो तब सुधरेगा. आप मुझे बताओ क्या सबकी अपनी अपनी राय है या नहीं है? तो दैट इज, इन लोगों का गवर्नेंस मॉडल अलग अलग है, दैट इज द रीजन इस तरीके की बात सुनने को मिलती है. अब आप मुझे बताओ दिस काइंड ऑफ रिस्क इज कॉल्ड व्हाट? द पॉलिटिकल रिस्क. आई होप ये बात समझ में आ गई आपको विद एन एग्जांपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल रिस्क. चलिए सर आगे लिखेगा द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लीज. इक्विटी रिस्क.
इक्विटी रिस्क क्या होता है? अच्छा बताओ, व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, एक बार ये बता दो जल्दी से बेटा, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? डायरेक्टली आपके फाइनेंशियल्स को अफेक्ट पहुंचाए, दैट इज अ फाइनेंशियल रिस्क. अब देखो, इक्विटी रिस्क, इट मींस द डेप्रिसिएशन इन वंस इन्वेस्टमेंट, depreciation in the once investment due to change in market index, due to change in the market index. It means fall in price of the share that you have purchased. It means decrease in the value of investment you have made. इसी को क्या नाम दिया जाता है? इक्विटी रिस्क. अब आप मुझे बताओ, मैंने शेयर खरीदे, शेयर की वैल्यू गिर गई, मुझे बताओ ये हमारे फाइनेंशियल को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है. तो मुझे बताओ ये कौन सा रिस्क हुआ? ये फाइनेंशियल रिस्क हुआ. एग्री? अच्छा बताओ, ये बेटा फाइनेंशियल रिस्क हुआ, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है, द सेकेंड पॉइंट, कोई बता सकता है मुझे, इज इट कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल? आप इसे कैसे कंट्रोल कर लोगे? पूरी मार्केट आप कैसे बचा लोगे? अगर बचा सकते तो हम बढ़ाई लेते सारा इंडेक्स, पॉसिबल नहीं है. तो ये कौन सा रिस्क होगा? सिस्टमैटिक रिस्क. आई होप सो सिंपल इट इज. यस, इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, इंडिया में हुआ. आप देखकर सुनकर हैरान रह जाओगे, क्या ऐसा भी होता है? ध्यान से सुनिएगा. और ये एग्जाम्पल है, इक्विटी रिस्क देखने को मिला, अनकंट्रोलेबल रिस्क देखने को मिला इन द केस ऑफ द सत्यम. सत्यम के केस में ये इक्विटी रिस्क देखने को मिला प्रैक्टिकली, और लोगों ने है ना खुदकुशी कर ली, क्योंकि इतना नुकसान हुआ, लोगों ने आत्महत्या कर ली इस फ्रॉड के बाद. सुनो हुआ क्या, लिसन केयरफुली, व्हाट हैपन. इस कंपनी का जो एमडी हुआ करता था, उसका नाम था रामालिंगा राजू. भाई साहब का नाम क्या था? रामालिंगा राजू. I'll show you. ये रहा भाई, he is the रामालिंगा राजू. तो ये सत्यम कंपनी का that is मालिक था, और सत्यम कंपनी है ना, that was a IT कंपनी बेसिकली. ये बेटा कौन सी कंपनी थी जल्दी बोलो? that was a IT कंपनी. इस कंपनी ने स्टेप वाइज लिख लो, स्टेप वन, रामालिंगा राजू ने क्या किया, इसने बेसिकली इस सत्यम कंपनी में विंडो ड्रेसिंग करी. क्या करी? लिख लेना बेटा इसको. इसने कंपनी में बेटा कुछ नहीं किया, इसने कंपनी में विंडो ड्रेसिंग करी. अब आप बोलोगे सर विंडो ड्रेसिंग बोले तो, लिखिएगा. विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है आपने अपने एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया और लायबिलिटी को घटा के दिखाया. इससे फायदा क्या हुआ, कंपनी को इजी लोन मिलने स्टार्ट हो गए, एंड उसका जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ने लगा. इजी लोन मिलने लगे और मार्केट प्राइस बढ़ने लगा, एंड इन दैट वेरी केस बहुत सारा कंपनी ने सत्यम ने क्या किया, लोन भी ले लिया, एंड दैट इज मार्केट प्राइस बढ़ ही रहा था, एंड लोग खुश हो रहे थे, सत्यम का शेयर खरीदो. सर अच्छा एक बात बताओ, जब हर जगह तुम्हें दिखेगा कि कंपनी के एसेट बढ़ रहे हैं, कंपनी की लायबिलिटी है ही नहीं, पैसा कमा रही है, विल यू इन्वेस्ट इन द मार्केट कंपनी और नॉट? यस, आप डेफिनेटली कंपनी में पैसा लगाओगे. अब लोगों ने शेयर खरीदने स्टार्ट कर दिए, एंड द पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द कंपनी. और मान लो किसी ने शेयर 70 रुपए पे खरीदा, किसी ने शेयर 75 पे खरीदा, किसी ने 80 पे खरीदा होगा, किसी ने 60 पे खरीदा होगा, यू नो दैट अलग अलग प्राइजेस पे लोगों ने शेयर खरीदने स्टार्ट कर दिए. अब सोच के देखो, आपने बेटा 70 रुपए पे शेयर खरीदा है और तुमने 100,000 शेयर खरीदे हैं, 100,000 शेयर खरीदे हैं और कितने के भाव पे खरीदे हैं? 70,00,000 पे खरीदे हैं, मतलब 70 रुपए पे खरीदे हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 70,00,000. देखो क्या होता है पता है, जब बात अपने पे आती है ना तभी समझ में आती है. इसको फील करना तुम्हारे 70,00,000 लगे हुए हैं,
यू हैव इन्वेस्टेड 70 lakh rupees इन द सत्यम, और पता है पाप का घड़ा एक दिन भरी जाता है और भांडा फूट ही जाता है. एंड इन दैट वेरी केस पांचवें स्टेप में क्या हुआ, लिसन केयरफुली व्हाट हैपन इन द फिफ्थ केस. यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला हमें दैट ये जो फ्रॉड था कंपनी के अंदर ये सामने आ गया. और दैट इज उसके बाद जैसे ही फ्रॉड सामने आया एंड कैन वी से जैसे ये फ्रॉड के बारे में खबरें पता चली, फ्रॉड लीक हुआ, वैसे ही पॉइंट नंबर 6 शेयर का प्राइस स्टार्ट फॉलिंग, शेयर का प्राइस स्टार्ट फॉलिंग. और ऐसा बोला जाता है, ये ऐसा बोला जाता है शेयर का प्राइस स्टार्ट फॉलिंग, और ऐसा बोला जाता है दैट ये शेयर का प्राइस 4 रुपए पे आ गया था. ये शेयर का प्राइस बेटा कितने पे आ गया था, शेयर का प्राइस 4 रुपए पे आ गया था, द 4 rupees बेसिकली. अब आप मुझे बताओ जल्दी से 4 रुपए या 2 रुपए, अब मुझे बताओ तुमने 70 रुपए का शेयर खरीदा, 1 लाख शेयर खरीदे, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई, 70 लाख. और कुछ दिन के बाद वो इन्वेस्टमेंट कितनी बचे, 4 लाख की. 70 लाख से गिरकर कहां पे आ गए हो, 4 लाख पे. दैट हैपन्स इन द मार्केट. और पता है इस केस फ्रॉड के अंदर एक लाइन और लिख लो, जितने भी इन्वेस्टर्स थे ना बेटा, जितने भी इन्वेस्टर्स थे मैं आपको बता दूं, एक्चुअली 10,000 करोड़ का लॉस हुआ. लोगों ने ना खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली. क्यों कर ली सर, एक सोच के देखिएगा, एक बंदे ने 70 लाख रुपए जोड़े हुए, मैं मकान लूंगा, मैं बेटी की शादी करूंगा, मैं ये करूंगा, उसके 70 लाख खत्म हो गए, वो करेगा क्या? ये बात हम लोग नहीं अंदाजा लगा सकते. जब बंदे को लॉस होता है और जब उसके ऊपर बीतते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि हुआ क्या है. लोगों ने खुदकुशी करी है सर इस फ्रॉड के अंदर. एंड दैट हैपन बेसिकली इक्विटी रेस. कैन यू कंट्रोल दिस? आप मुझे बताओ, क्या बाहर रहकर, क्या यहां पर इक्विटी रिस्क, अब हम आप समझो ये इक्विटी रिस्क किसके लिए, ये कंपनी के लिए बात नहीं हो रही अभी, आप समझ नहीं रहे हो. सी देखिए, ये वैसे आपने जैसे यस बोला ना हितेश, इसके ऊपर बेटा दो चीजें बन गई, अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, इस पर दो चीजें बन गई है. अब दो चीजें क्या है, ये सत्यम है, ध्यान से सुनना प्लीज. एक बच्चे ने बोल दिया कंट्रोल कर सकते हैं, इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल अब दिमाग में आया, ध्यान से सुनो. सत्यम कंपनी है, अब सत्यम कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, सत्यम कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, सत्यम कंपनी में, तो दैट इज अ फ्रॉड रिस्क. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सत्यम कंपनी में फ्रॉड हो रहा है तो सत्यम कंपनी के लिए फ्रॉड रिस्क है, और सत्यम कंपनी इसे कंट्रोल कर सकती है. नहीं आई बात समझ में? सत्यम कंपनी इसे कंट्रोल कर सकती है, सत्यम कंपनी के लिए फ्रॉड रिस्क है ये. लेकिन आप मुझे बताओ मिस्टर राम, बेटा मिस्टर राम जो कंपनी का शेयर होल्डर है, जिसने 70 लाख रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं भाई, उसके लिए फ्रॉड रिस्क थोड़ी ना है, उसके लिए ये कौन सा रिस्क बनेगा, इक्विटी रिस्क. और मेरे भाई ये उसके लिए इक्विटी रिस्क है, और वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, इट इज अ फाइनेंशियल रिस्क. एक ही एग्जाम्पल में देखो दो दो रिस्क आ गए हैं. नहीं आई बात समझ में? अच्छा एक सेकेंड, अभी इसको लिख लेना, एक सेकेंड होल्ड करो, पहले यहां पे आओ. ये कौन से एग्जाम्पल थे फाइनेंशियल रिस्क, ये वाले कौन से एग्जाम्पल थे, मुझे बताओ जल्दी से कौन सा रिस्क, इक्विटी रिस्क बढ़ रहे थे, ये वाला पॉलिटिकल हो गया इक्विटी रिस्क, मुझे बताओ इक्विटी रिस्क समझाया. और यहां पे देखो कहीं फ्रॉड रिस्क नहीं लिखा, देयर इज अ फ्रॉड रिस्क. अब बताओ फ्रॉड रिस्क कौन सा रिस्क है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क. अब आप मुझे बताओ नॉन फाइनेंशियल रिस्क कौन सा था, जो आपके फाइनेंशियल को पहले स्टेप में इफेक्ट नहीं करेंगे बट लेटर ऑन इफेक्ट करेंगे. आप मुझे बताओ फ्रॉड क्या एक दिन में पता चलता है, और फ्रॉड का जो नुकसान होता है क्या एक बार में पता चल जाता है, लेटर ऑन आपको पता चलता है भाई नुकसान हो गया. इसलिए फ्रॉड रिस्क आप मुझे बताओ यहां पर क्या बना, दैट इज नॉन सिस्टमैटिक रिस्क. और ये यहां पे क्या बना, सिस्टमैटिक रिस्क. मैं ये फ्रॉड रिस्क दोबारा आगे बताऊंगा, लेकिन आपको यहां पे इक्विटी रिस्क समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं. यहां पे बेटा इक्विटी रिस्क यहां पर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ना कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर सेम एग्जांपल मैं कंपनी सत्यम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो वो उसके लिए फ्रॉड रिस्क होगा, वो उसके लिए नॉन फाइनेंशियल रिस्क होगा, और वो उसके लिए कंट्रोलेबल रिस्क होगा, और वो उसके लिए अनसिस्टमैटिक रिस्क होगा. क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? तो दैट इज दो बातें बिल्कुल अलग है. ये हितेश ने बस बोल दिया था कंट्रोल, इसलिए मैंने ये जवाब दिया. अदरवाइज आप यहां पे शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी रिस्क को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो. हां जी, तो वो उसके लिए इक्विटी रिस्क हो जाता. लेकिन बेटा एक बात बताओ, सत्यम इन्वेस्टेड इन रिलायंस और रिलायंस नीचे गिरी, तो रिलायंस के अंदर फ्रॉड रिस्क होता और सत्यम के लिए इक्विटी रिस्क होता. That become different.
आप देख रहे हो रिस्क कितने तरीके के हो रहे हैं और कौन कौन से कैसे कैसे रिस्क हो रहे हैं, इसी के क्या करना है, मैनेज। मैनेज किया बिजनेस हिट, मैनेज नहीं किया बिजनेस फ्लॉप, बस इतनी सी बात है। आई होप यू गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। जल्दी से बताइए ऑनलाइन वालों, जल्दी से बताओ क्या बात समझ में आ गई है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। श्वेता इज आस्किंग वन क्वेश्चन, सर सारे फाइनेंशियल रिस्क का सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं, अभी देख लेंगे, अभी इतने सारे लिखे हुए हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, आप देख लेना सिस्टमेटिक आंसर, और इसके जवाब तो आपको देने हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेट्स सी कंट्रोल होंगे या नहीं होंगे। एनीवेज अब बताओ कितने रिस्क बता दिए, पहला कौन सा बताया पॉलिटिकल रिस्क, दूसरा कौन सा बताया इक्विटी रिस्क। अभी जब हम ये सारे रिस्क पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद में एक चार्ट भी बनाऊंगा आपके लिए, उसके अंदर सारे रिस्क लिखेंगे और सारे रिस्क लिखकर उसके अंदर मैं आपको ये भी समझाने वाला हूं क्या कि ये वाला फिर है ना पूरा जैसे ड्राफ्टिंग में चार्ट बनाया था, फिर मैं बताऊंगा ये सारे सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, छह तरीके के सारे इकट्ठे कितने हैं ये 15 रिस्क हैं, 15 के 15 में वो 6 क्लासिफिकेशन करके दिखाएंगे आपको ताकि एक नजर मारो कहानी खत्म, आपको क्लैरिटी आ जाए। आई होप ये बात समझ में आ रही है। एक बार दोबारा पहला पॉइंट क्या था, सारा का सारा ऐसे ही बताना है जैसे सिखाया है। व्हाट इज रिस्क, एवरीबॉडी गाय जल्दी बताओ व्हाट इज रिस्क। बिजनेस करते टाइम की अनसर्टेनिटी आएगी नहीं आएगी, वैसे तो रिस्क जो होता है आम आदमी की जिंदगी में भी होता है, लेकिन हम जब रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो हम कंपनी का देख रहे हैं। तो मुझे बताओ जल्दी से व्हाट इज रिस्क। एनी बिजनेस यू आर डूइंग यू विल फेस सम अनसर्टेनिटी, उस अनसर्टेनिटी को आइडेंटिफाई करना एंड मैनेज करना, उसी को नाम दिया जाता है क्या, रिस्क मैनेजमेंट, एंड दैट इज अ रिस्क। और आप मुझे बताओ जल्दी से रिस्क कितने प्रकार के हो, क्लासिफिकेशन दो, पहली सिस्टमैटिक, सेकेंड इज सिस्टमैटिक जिसे तुम कंट्रोल ना कर सको, सिस्टमैटिक जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्यों आता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, और अनसिस्टमैटिक क्यों होता है, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन। फिर क्या आया, फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क जो आपके फाइनेंशियल को डायरेक्टली इंपैक्ट कर दे, फाइनेंशियल रिस्क जो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट ना करे और लेटर ऑन इंपैक्ट करे, नॉन फाइनेंशियल रिस्क। दोनों में डिफरेंस है या नहीं मुझे बताओ, यस सर। उसके बाद बताओ द नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क, ये और बता दो दोस्तों, क्या ये सारे एग्जाम्पल लिख दिए थे, यस yes. और इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है, पॉलिटिकल और इक्विटी, ये हमने पढ़ लिया, इज इट ओके नाउ। और वैसे तो थोड़ा सा फ्रॉड भी बता दिया है नाउ, अब मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, ठीक है, आप बताना ये क्या है। अब मैंने एक काम करते हैं, ये तो तुम्हारे लिए आसान हो गया, मैं लिख रहा हूं पॉलिटिकल रिस्क, तुम उसे देख के बता दोगे ये पॉलिटिकल रिस्क है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप बताना ये कौन सा रिस्क है, ठीक है। चलो एक बारी पढ़ लो, पॉलिटिकल, लिक्विडिटी, करेंसी, क्रेडिट रिस्क, इक्विटी रिस्क, ऑब्सोलेंस रिस्क, लीगल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, फ्रॉड रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, डिजास्टर रिस्क, इंडस्ट्री रिस्क और ट्रांजेक्शन रिस्क। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेट्स सी हु विल आंसर दिस। चलो एक एग्जाम्पल है, लेट मी चेक योर नॉलेज एंड द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू पीपल आर हैविंग। एक एग्जाम्पल है भाई, लेट्स सी हु विल आंसर। लिखिए, एक ना कंपनी हुआ करती थी, स्टेप नंबर वन लिखिएगा, देयर वाज वन कंपनी कॉल्ड ईबे। किस किस ने ईबे का नाम सुना हुआ है, ईबे, ईबे कंपनी हुआ करती थी, और लिखिएगा ईबे ने क्या किया, स्काइप, नाम सुना स्काइप, बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, एंड दैट वाज अ ऐप यूज फॉर द वीडियो कॉलिंग। अब तो हर जगह वीडियो कॉलिंग का फीचर आ गया, तो दैट इज स्काइप को टेक ओवर कर लिया, परचेज कर लिया। एवरीबडी बड़े ध्यान से सुनेगा, $3.1 बिलियन में, लिख लो $3.1 बिलियन में बेटा परचेज कर लिया ईबे ने, किसको परचेज किया, स्काइप को। अब पता नहीं क्या हुआ, ईबे ने डिसीजन लिया, मेरे शब्दों को सुनना, मेरे शब्दों में ही आंसर छुपा होगा। ईबे ने पहला स्टेप क्या किया,
स्काइप का टेक ओवर कर लिया 3.1 बिलियन डॉलर में। और फिर पता नहीं ईबे को क्या हुआ, ईबे ने एक डिसीजन लिया, ईबे ने क्या किया, ईबे ने 65% स्टेक ऑफ ईबे सेल कर दिया। 65% स्टेक आपने क्या किया, सेल कर दिया। लेट सपोज मिस्टर एक्स को, किसी भाई साहब को स्टेक सेल कर दिया, और ये स्टेक 65% सेल किया है, और कितने डॉलर में, 1.4 बिलियन डॉलर में, यूएस डॉलर में। अच्छा बताओ खरीदा कितने में था, 3.1 में, बेच कितने में दिया, 1.4 में, लेकिन सारा बेचा, बस अभी 65% बेचा है, 35% अभी भी किसके पास है, ईबे के पास है। नाउ स्टेप थ्री, अब हुआ क्या, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने वो जो 65% स्टेक था माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया, दैट इज स्काइप के अंदर जो स्टेक था किसको बेच दिया, माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया, फॉर अ वॉपिंग अमाउंट ऑफ 8.5 बिलियन यूएस डॉलर। फॉर अ वॉपिंग अमाउंट ऑफ 8.5 बिलियन यूएस डॉलर। बताओ ये जो आपने किया, ईबे ने जो किया, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इट वॉज, एनीबडी इन द क्लास, किस तरीके का रिस्क है ये, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज दिस। चलो थोड़ा आसान पूछता हूं, ठीक है, आप बस ये बता दो ये कौन सा रिस्क हुआ, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, तुम बस ये बता दो ये फाइनेंशियल था या ये नॉन फाइनेंशियल था, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इट वॉज। लिखेगा ईबे, लिखेगा ईबे ने यहां पर एक्चुअली डिसीजन गलत ले लिया, और एक्चुअली ईबे की यहां पे स्ट्रेटजी गलत साबित हुई, इसलिए इस डिसीजन को नाम दिया जाता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। क्या बेटा बिजनेस करते टाइम, नंबर ऑफ टाइम बिजनेस करते टाइम क्या ऐसा हो सकता है, क्या नंबर ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है बिजनेस करते टाइम आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन गलत हो जाएं, द डिसीजन दैट यू हैव टेकन इज वो प्रूव हो जाएं, वो गलत साबित हो जाएं। तो मुझे बताओ जल्दी से क्या ये स्ट्रेटेजिक रिस्क था या नहीं था। मतलब कई बार ऐसे भी तो रिस्क हो सकते हैं कि आपने आपने स्ट्रेटजी गलत बना ली, आपने क्या बना ली बेटा, स्ट्रेटजी गलत बना ली, क्योंकि तुम लोगों ने स्ट्रेटजी गलत बना दी तो डिसीजन गलत लिया, तो ये कौन सा रिस्क बना, स्ट्रेटेजिक रिस्क बना। अब आप मुझे बताओ जल्दी से स्ट्रेटेजिक रिस्क कहां फॉल कर रहा है, आप बता दो। चलो नॉन फाइनेंशियल रिस्क, अच्छा एक बात बताओ व्हाट इज नॉन फाइनेंशियल रिस्क, नॉन फाइनेंशियल रिस्क का क्या मतलब था ये और बता दो। क्या मैं बोलूं नॉन फाइनेंशियल रिस्क का मतलब था, पहले जो आपने मतलब डिसीजन लिया, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको पहले तो इंपैक्ट नहीं करेगा बट लेटर ऑन करेगा। तुमने शेयर बेच दिए, तुम्हें कोई इंपैक्ट नहीं किया, तुम्हारे पास तो पैसे ही आ रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन आप मुझे बताओ फाइनेंशियल के ऊपर यहां पे आप मुझे बताओ क्या नुकसान हो गया नहीं हो गया, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाएगा, आप मुझे बताओ नॉन फाइनेंशियल रिस्क, इसे क्या नाम दिया जाएगा, बोलो नॉन फाइनेंशियल रिस्क, बोलो जल्दी से, क्या लाइन समझ में आ रही है, इट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा एक बात और बताओ, इट इज अ नॉन फाइनेंशियल रिस्क, आप बताओ कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, क्या है ये कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल था दोस्तों, क्या डिसीजन करना तो आपके ही हाथ में था, मुझे बताओ, तो डेफिनेटली आपने डिसीजन को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया, तो आई वुड से दैट इज अ कंट्रोलेबल रिस्क, आपकी स्ट्रेटजी गलत साबित हुई है, आप सही से स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते। बताओ सर तीसरा, अब बताओ ये कौन सा रिस्क था, सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक। मैं आपको बताना चाहता हूं हर रिस्क के अंदर आपको, हर रिस्क के अंदर आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, बोलो क्या, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक। अगर इतनी क्लैरिटी हर रिस्क में है तो आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाओगे, नहीं है तो नहीं सीख पाओगे।
तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिस्क बेसिकली ऐसे होते हैं. इफ यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन इन द बिजनेस, और याद रखिएगा सर बिजनेस के अंदर है ना डिसीजन गलत हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. नॉर्मली बिजनेस के अंदर डिसीजन गलत हो जाते हैं. बड़े बड़े लोग, यार एक बात बताओ, एक और बड़ा एग्जाम्पल हो स्ट्रेटेजिक, टाटा नैनो. मुझे बताओ जो टाटा नैनो था, क्या ये आपको नहीं लगता है बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी गलत हो गई थी? यस, रतन टाटा साहब का सपना था, रतन टाटा साहब का सपना था सबको 1,00,000 में गाड़ी बेचेंगे, लोग स्कूटर से गाड़ी पे आ जाएंगे. लेकिन वो गाड़ी फ्लोप हो गई, उसमें आग लगनी स्टार्ट हो गई, तो क्या कंपनी को, आप मुझे बताओ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर. तो क्या स्ट्रेटेजी गलत हो गई? और पता है इसी चीज के ऊपर कि टाटा कंपनी को नैनो की वजह से नुकसान हुआ, इसी बेस के ऊपर, इट इज वन ऑफ द बेस, जो वो बंदा था साइरस मिस्त्री फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द रतन टाटा कि ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है. बताऊंगा आपको डीडी के पेपर में जब टॉपिक आएगा या ड्राफ्टिंग के पेपर में, ऑपरेशन पूरा केस समझाएंगे आपको रतन टाटा और साइरस मिस्त्री का. तो इसी के ऊपर साइरस मिस्त्री का और रतन टाटा का क्या हुआ, झगड़ा हुआ, ऑपरेशन मिसमैनेज, आपको बताओ उसे निकाल दिया गया था साइरस मिस्त्री को. फिर वो केस गया एनसीएलटी, फिर केस गया एनसीएलटी, फिर केस गया सुप्रीम कोर्ट, और फाइनली जीता कौन, टाटा साहब जीत गए. और उसके बाद जब रतन टाटा जीत गए तो कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि साइरस मिस्त्री का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया, वो मर गए. तो दैट हैपन बेसिकली, तो ऐसा भी सुनने को मिला. एनीवेज, तो करेंगे, चलो टाटा नैनो के बारे में बात करें. अब टाटा नैनो जब आई थी ना उसमें बड़े सारी चीज़ें हुई थी. टाटा नैनो का फिर प्लांट लगाने के लिए दैट वो गुजरात गए, एंड गुजरात में फिर मोदी साहब ने शरण दी और लोन दिया, बहुत सारे एक सॉफ्ट लोन दिया गया था. तो और किसी टॉपिक में बताऊंगा आप लोगों को इसके बारे में, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक रिस्क बेसिकली. आई होप इट इज ओके. तो एक एग्जांपल था. अच्छा बताओ जल्दी से. लेकिन अभी हम लोग इन्हीं रिस्क के ऊपर बात कर रहे हैं, कौन कौन से रिस्क हो गए. अच्छा अभी स्ट्रेटेजिक रिस्क मत लिखना, ये मैंने बस एक एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करने के लिए, वेदर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द रिस्क और नॉट, ये बता दिया एग्जाम्पल. इसको हम अलग से बाद में देखेंगे विद अदर एग्जाम्पल. पॉलिटिकल रिस्क हो गया भाई, इक्विटी रिस्क हो गया. चलो सर आगे बढ़ते हैं, तीसरा रिस्क लिखते हैं, लिखो जल्दी फटाफट. द नेक्स्ट रिस्क दैट वी आर हैविंग, इक्विटी रिस्क तो बता दिया राइट, ठीक है. लिखिए एक और रिस्क बता रहा हूं आपको, हेडिंग लिखिएगा. हाँ क्या करना है, 5 मिनट रुक जा, लिखिएगा दैट इज करेंसी रिस्क. अच्छा करेंसी रिस्क कहां लिखा हुआ है, फाइनेंशियल में लिखा हुआ है. तो यहां पे लिख लीजिएगा बेटा, पॉइंट नंबर 3 में करेंसी रिस्क लिखा हुआ है. इसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, करेंसी रिस्क का पहले एग्जांपल सुनेंगे, करेंसी रिस्क होता क्या बेसिकली. अच्छा वैसे कैन यू सर ऐसे दिन भर पढ़ाते रहा तो मजा आ जाए, वेरी गुड. अब दिन भर तो लेकिन हम नहीं पढ़ सकते. करेंसी रिस्क लिखिएगा, इट इज वोलाटिलिटी इन करेंसी रेट्स. करेंसी रेट या फिर ऐसे लिखो द वोलाटिलिटी. अच्छा इसका वोलाटिलिटी मतलब चेंजेस इन द करेंसी रेट इज कॉल्ड करेंसी रिस्क. अच्छा आपको नहीं लग रहा, वट एवर वी आर, अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं हर पॉइंट के साथ, हर एग्जाम्पल के साथ, एवरीथिंग प्रैक्टिकल अप्रोच हमने जोड़ दिया. हम लोग कोई आपको ऐसे एग्जाम्पल दे ही नहीं रहे हैं, हम सारे के सारे एग्जाम्पल पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ आपको जोड़ कर दे रहे हैं. क्योंकि वन डे और आफ्टर फ्यू मंथ्स यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, एंड आपको कहाँ जाके काम करना है, कॉर्पोरेट्स में. तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर कॉर्पोरेट्स की आएगी, और आप देख रहे हो रिस्क के साथ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट जुड़ रहा है, कहीं पे दैट यू नो दैट स्ट्रेटेजी जुड़ रही है, कहीं पे लीगल कंप्लाइंस जुड़ रहा है, यही सारी चीज़ आपको कनेक्ट कर करके सारी चीज़ें समझनी है. एंड यू वॉन्ट बिलीव कि वो लेवल ऑफ नॉलेज और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी बढ़ जाएगी. तो द वोलेटिलिटी इन द करेंसी रेट इज कॉल्ड द करेंसी रिस्क. और लिखेगा दीज रिस्क
affect the firms. These risks affect the firms. Having international operations. Having the international operations. The quantum of risk depends on the quantum of risk depends on nature and extent. Nature and extent of transactions. That is a currency risk. Iska one of the best example I have created. Dhyan se sunega example kya. अच्छा आपको पता है करेंसी का रेट भी चेंज होता रहता है. आज डॉलर का रेट है कितना वैसे देखें देख लेते हैं. ₹83 ये पता नहीं. अच्छा आपको पता है वंस अपॉन अ टाइम दैट वाज इक्वल मतलब हमारा रुपी मतलब बराबर था डॉलर के और आज कितना टूट गया है मतलब ₹83 आई हैव टू पे फॉर परचेजिंग द $1. मतलब आप समझ रहे हो हमारी इकोनॉमी कितनी डेप्रिशिएट कर रही है. इट इज अ बिग कंसर्न आई एम टेलिंग यू. और अभी कुछ साल पहले 70s में हुआ करता था. अब आप देखो 83 में आ गया है और अभी ये बढ़ बढ़ के आप देखना अगर इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग होती चली गई हमारी वीक होती चली गई तो कहीं ये और ना बढ़ जाए. लेकिन लेट्स सी आगे अभी सिचुएशन कैसे बढ़ती है कैसे मूव ऑन करती है. तो आज का डॉलर प्राइस ₹83 है और एक है ना आज का एक वो और देख लेते हैं लगे हाथ गोल्ड प्राइस 61,125 रुपये. तो दैट इज टुडे प्राइस. ये 61,000 घबराओ मत ये 24 कैरेट का रेट है. देखो लिखा होगा 24 कैरेट और 22 कैरेट का रेट कुछ अलग होगा. तो 22 कैरेट का रेट अलग होता है बेसिकली 55,000 के आसपास होगा. दर 55,515 है ना पर ग्राम तो 55,000 के आसपास देखने को मिलेगा. तो दैट वाज अ गोल्ड रेट्स बेसिकली. एनीवेज तो अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर. एक कंपनी एक्स लिमिटेड है. अच्छा मैं ना गोल्ड में एक चीज़ देख रहा हूँ कि है ना द प्राइजेस आर गेटिंग इंक्रीज्ड. मतलब गोल्ड रुक नहीं रहा है और ऐसा देखने को मिलता है 4-5 हज़ार तोला नीचे गिरता है और फिर बढ़ जाता है. तो वो बढ़ बढ़ के अब 61,000 अभी आपने देखा हो गया है 24 कैरेट का रेट जो है. और एक ज़माना था मैंने अपनी आंखों से 5,000 रुपये तोला भी देखा हुआ है. शायद आपके पेरेंट्स ने भी 5,000 आप पूछना पापा मम्मी की ज्वेलरी किस रेट पे खरीदी थी पूछना आज जाके तो शायद बताएंगे 5,000 रुपये तोला 4,000 रुपये तोला. और आप देखो कितना बढ़ गया. और मुझे लगता है शायद ये प्राइसिंग ऐसे बढ़ेंगे प्राइसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा एक बात बताओ आने वाले 20 साल में आपको क्या लगता है एक प्रिडिक्शन मतलब गोल्ड बढ़ेगा या 10,000 रह जाएगा आने वाले 20 साल में मतलब बढ़ेगा या घटेगा. हाँ जी एक तो है ना एक ज्वेलरी वाला है एक मतलब मेरा रिलेटिव है उनकी ज्वेलरी की दुकान है उनको ज़्यादा समझ होती है. तो उन्होंने तो मेरे को बोला कि भाई मतलब मेरा मामा का लड़का है एक्चुअली तो उनकी ज्वेलरी की दुकान है. कह रहा भाई सोना खरीद ले. मैंने कहा क्यों. कह रहा 2.5 लाख रुपये तोला होगा ये. मतलब उसने तो 2-3 साल ही बोला था. अब मैंने उसको उसकी बात पे विश्वास नहीं किया लेकिन कह रहा 2.5 लाख तोला होगा तू देख लियो ये. और अभी प्राइस बढ़ रहा है और लेकिन अब मुझे नहीं पता अब 2 साल में होगा 20 साल में होगा आई डोंट नो. तो लेकिन बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में शायद प्राइस तो बढ़ेगा. अब आप मुझे बताओ सोच के देखिएगा रिस्क बता रहा हूँ रिस्क को समझिए. तो आप मुझे बताओ जल्दी से जब आप लोगों की शादी होंगी या फिर आप छोड़ो अब आप तो बड़े हो गए हो. अब मान लो आपकी शादी होगी और आपके जो बच्चे होंगे तो मुझे बताओ उनकी शादी 20-25 साल के बाद होगी तो क्या एक रिस्क नहीं है. कहीं सोना आज 60,000 है और वहाँ पे 3 लाख हो जाए 20 साल के बाद. तो सर आपको नहीं लगता कि यू नो सामान देने में ज्वेलरी बनवाने में शादी में तो ज्वेलरी चलती है तो कैन वी से वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क आप लोगों के लिए है 3 लाख रुपये तोला या 2 लाख रुपये तोला खरीदना इज डैम डिफिकल्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड डोंट यू थिंक वी शुड इन्वेस्टिंग इन द गोल्ड. 60,000 में मैंने अभी 2 साल पहले ना 33,000 में खरीदा था कुछ 10 तोला और
33,000 या 34,000, और आज आप देखो दैट 55-56,000 आ गया। तो मैं कह रहा हूं कि आज 55 में भी खरीद लो या 61 में 24 कैरेट का सोने का बिस्किट खरीद लो तो कैनवी से वो भी बढ़ना ही है। मुझे बताओ ये करके भी हम क्या कर रहे हैं, अपने रिस्क को क्या कर रहे हैं, मैनेज ही तो कर रहे हैं। तो रिस्क इज नॉट अबाउट द बिजनेस, रिस्क हमारी लाइफ में भी इन्वॉल्व है। अब आप मुझे बताओ क्या जिसके घर वाले ये प्लान कर ले, अब समझो बात को, अब आप समझो हमारा जो समाज है, हमारे समाज में ऐसा तो होता ही है, लड़के लड़की की शादी हो रही है, पैसे देना, दहेज लेना देना, ये चलता है यार। डाउरी कितनी भी प्रोबिटेड हो, डाउरी प्रोबिट होने के बाद ज्यादा प्रमोट हो गई है मालूम। अब लोग ये नहीं बोलते कि भाई कितना दहेज दोगे, अब वो कहते अपनी खुशी से लगा रहे हैं, अपनी खुशी से लगा रहे हैं, लेकिन वो खुशी से भी दहेज ही होता है बेसिकली। तो दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। और अब यहाँ पे मान लो आपको 20 लाख का सोना देना है, अब उस टाइम पे सॉरी 20 लाख नहीं 20 तोला सोना देना है, और वहां पे उस टाइम पे 3 लाख रुपए तोला है और 20 तोला सोना देना है, तो ह्यूज अमाउंट इज इन्वॉल्व। लेकिन अगर आपने पहले से थोड़ा थोड़ा जोड़ के रखा हुआ है तो आप मुझे बताओ वो सारा खर्चा इकट्ठा निकल गया नहीं निकल गया, व्हाट इज दैट? मैनेजिंग द रिस्क। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेल्थ पॉलिसी क्यों लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं? ताकि एक्सीडेंट हो जाए तो सारा इंश्योरेंस का पैसा आ जाए, 5-6 लाख रुपए का रिस्क मैनेज हो गया नहीं हो गया? इट इज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, हर चीज में वी आर नथिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट मैनेजिंग द रिस्क, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मैनेज द रिस्क, नथिंग एल्स दैट इज हैपनिंग एवरीवेयर। बताओ तुम्हारे घर वाले LIC पॉलिसी क्यों लेते हैं? पैसा इकट्ठा हो जाएगा, काम आ जाएगा। व्हाट योर पेरेंट्स आर डूइंग बाय परचेजिंग द LIC, दे आर जस्ट मैनेजिंग द रिस्क इन द फ्यूचर। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द रिस्क, लाइफ ही एक रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क बहुत जरूरी है जिंदगी में। पता एडवेंचर नहीं होता बिना रिस्क के, प्लेन प्लेन जिंदगी हो जाती है, मजा ही नहीं आता। एनीवे मेरे को तो बड़ा मजा आता है रिस्क लेने में और रिस्क देने में, दोनों ही अच्छी चीज लगती है। एनीवेज एक एग्जांपल लिखिए प्लीज। करेंसी रिस्क सुन लो, इतने सारे रिस्क बता दिए, अब मुझे बताओ ये करेंसी रिस्क किसके साथ होता है, बस ये बता दो, जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब एग्जांपल सुनना जरा, ये इंडिया की कंपनी है, ये बेटा USA की कंपनी है, ABC इंक। आपको पता है बाहर विदेशों में ABC इंक यूज किया जाता है। यस सर, थोड़ा क्लासेस का प्राइस हाई है। ओ ऐसा है क्या, मैं इस पर क्या बताऊं। चलो अब इंडिया एक्स लिमिटेड और USA में कौन सी कंपनी है, ABC इंक INC डॉट। अब हुआ क्या, बेसिकली यहां पे दैट इज गिवन ओवर द ईयर स्टेप वन, बाहर की कंपनी ने आपको लोन दिया, लिखेगा $5 मिलियन, $5 मिलियन। अब आप मुझे बताओ इंडियन कंपनी को क्या ये रीपे करना पड़ेगा, नहीं रीपे करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ जब तुमने लोन लिया था ना, मान लो तुमने बेटा लोन लिया था 2023 में, तो जब तुमने लोन 2023 में लिया था तो सर लिखेगा $1 की कीमत थी ₹83, तो मुझे बताओ इंडियन कंपनी को $1 खरीदने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा, ₹83 का। अब आपने पैसा ले लिया, अब आप रिपे भी करोगे नहीं करोगे, लेकिन जब रिपे करने का टाइम आया 2025 में तो लिखेगा $1 की कीमत हो गई, $1 की कीमत हो गई ₹90। अब आप मुझे बताओ लोन जब लिया था तो $1 की कीमत ₹83 थी, अब लोन रिपे करने के लिए आपको नहीं लगता, अब आपको $1 खरीदने के लिए ₹7 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यस और नो? ये ₹7 एक्स्ट्रा आपका क्या है, करेंसी रिस्क। और ये रिस्क क्यों आया है, बिकॉज फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ द करेंसी। मुझे बताओ जब क्या आप देख रहे हो बिजनेस, जब भी कोई करता होगा हर ट्रांजेक्शन में रिस्क इन्वॉल्व है, और आपको क्या एडवांस में वो चीजें आप मुझे बताओ मैनेज करके चलनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यस सर, दैट इज ऑल अबाउट द रिस्क। आई होप आपको रिस्क को समझने में आसानी हो रही होगी। और अभी तो पता क्या, अभी तो ये समझ रहे हैं रिस्क है क्या, असली मजा तो तब आएगा व्हेन वी केम टू नो हाउ टू मैनेज द सेम। असली कहानी तो चीजों को मैनेज करने में है। और फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटा रिस्क है बताओ कैसे मैनेज करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर आप चाहते हो ना ये चीजें प्रैक्टिकली आप सीख लो, तो आप एक दिमाग एक चीज सुन लो जरा, ये जितने भी रिस्क बता रहा हूं 15 रिस्क हैं, ये पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में विद एग्जांपल, फिर मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा बताओ इस रिस्क को मैनेज कैसे करें। मैंने अभी तक शायद ये नहीं बताया रिस्क को मैनेज कैसे करें जानबूझ के, शायद एक दो को बता दिया हो, लेकिन अगर आप मुझे ये बता सको ये 15 पॉइंट पढ़ने के बाद कि रिस्क समझ में आया, सर मैनेज करना हम सिखाएंगे, मैं आपको दूंगा ये टास्क, क्लास के अंदर लाइव चलेगा, मैं बताऊंगा रिस्क का मैनेज करके बताओ,
तुमने अगर ये बता दिया तो समझ लो चैप्टर खत्म है ये, मतलब करेंगे हम पूरा लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी आ जाएगी। जब हर तरीके के रिस्क हो तो मैं समझ में आ गया मैनेज क्या करना, फिर बचा क्या, सर अंडरस्टैंडिंग तो आई गई ना, चैप्टर विल बी अ लॉलीपॉप फॉर यू, तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं है, दैट्स माय प्रॉमिस। लेकिन दिमाग लगाना इसके अंदर। अच्छा अभी तक कौन सा बताया, पॉलिटिकल रिस्क, कैन यू मैनेज दिस, यही तो दिमाग लगाना है। देख पता है क्या, फाइनल के अंदर बेटा स्पून फीडिंग करोगे ना तो रह जाओगे, थोड़ा सा अपना भी भेजा लगाओ जो भगवान ने दे रखा है। अगर आप सच में बुलंदियों पे पहुंचना चाहते हो दिमाग अपना भी लगाना पड़ेगा। सारी चीजें मैं ही बता दूं और पकी पकाई खिचड़ी खा ली तो तुम क्या करोगे जिंदगी में, थोड़ा तुम भी सोचो, समझ में आ गई बात। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। बाकी की जो क्लास है नेक्स्ट दैट इज ऑन फ्राइडे हम करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों फ्राइडे को क्लास सेम रहेगी, और लेकिन फ्राइडे को क्लास फेस टू फेस नहीं होगी क्योंकि दिल्ली बंद है 8-9-10 को, लेकिन क्लास हम स्किप नहीं करेंगे। आप भी घर पे वेले होंगे, मैं भी घर पे वेला हूँगा, कोई काम है नहीं, तो लाइव होगी फ्राइडे को, लाइव ऑन यूट्यूब ओनली, तो सारे के सारे यूट्यूब पे जुड़ेंगे और हम लोग लाइव ऑन यूट्यूब वाली क्लास करेंगे, ठीक है। रिस्क को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज द पॉइंट। और सर रिस्क को आगे बढ़ाने के बाद, रिस्क के सारे रिस्क के प्रोविजन पढ़ने के बाद, एक सेकेंड, हम लोग आगे समझेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और अभी ब्रेक लेते हैं कितनी देर का, एक सेकेंड रुक जाओ, ये 12 बजे शेड्यूल की हुई है, 10 मिनट का ब्रेक है भाई। आफ्टर द ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स विल स्टार्ट द सेक्रेटेरियल, 12 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे सेक्रेटरियल ऑडिट। तो 11:43 है ना, तो 10 मिनट का ब्रेक रखते हैं, आई एम जस्ट कमिंग, और सेक्रेटरियल ऑडिट स्टार्ट करेंगे। और सेक्रेटेरियल ऑडिट का चैप्टर लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था, आज हम स्टार्ट कर लेंगे, एंड दैट उसके बाद 1:30 बजे क्लास खत्म करेंगे। 1:30 बजे क्लास खत्म करने के बाद लंच ब्रेक 2 बजे तक, 2 से 3:30 CSR, तो दैट इज